ठीक, जा। वो जो आपने बताए, हमने तो सिर्फ पॉइंट्स लिखे जो जो आपने बताए। हाँ तो वो ज्योतिका मैम से पूछो, ज्योतिका मैम सारे नोट्स बनाती है। वो तो आप जो बोल रहे थे वो लिखती जा रही थी। हाँ बताइए आपने क्या क्या नोट्स बनाए। अश्लेषा का, हाँ अश्लेषा का वॉज गल्प करते हैं, हाँ कैरी क्लेनलीनेस को लेके बहुत ज्यादा होगा, उनकी आईज ट्रस्ट का इश्यू होगा, गल्प क्या करते हैं, एंड अडेप्टेबल है। गल्प क्या करेंगे। गर्ल बेसिकली उस टाइम तो ये भी बात हो रही थी जैसे अपने ही किड्स को के लिए दे कुड बी नॉट गुड। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। स्नेक किस चीज को गल्प करता है। फूड सिर्फ को, खाना ही गलत करता है मेन। एनिमल खाने को ही गल्प करता है, फूड को, फूड को गल्प करता है। ठीक हाँ है, विदाउट च्यूइंग। हाँ हाँ वो खाएगा ना, वो ऐसे अश्लेषा वाला खाएगा ना तो निकलेगा जल्दी जल्दी। वो च्यू नहीं करेगा उसको, हाँ उसको चूम यूज़ जाएगा। इट अबाउट लड़ाई भी ऐसे ही करते हैं, गल्प करके। हाँ मतलब बाद में बहुत कोई सुनाएंगे। हाँ बात, बातें पहले उसको गल्प कर जाएंगे एंड देन उसको तब उगलेंगे जब काम करते रहेंगे, एक्सपेक्टेड सुनाते नहीं रहेंगे। होगा। हाँ एंड उसी तरीके से वो दुश्मनी भी वो वैसी निभाते हैं, उनकी जो एनिमिटी होती है वो एक तो वो भूलते नहीं है, एंड सेकेंडली बहुत एक होता ना कि जन्म जन्मांतरों टाइप्स, तो वो वाला प्रॉब्लम आता है श्रेशा के अंदर कि दे डू नॉट जैसे फॉरगिव, सांप सांप नहीं भूलते हैं मैम, दे डू वैसे ही। नॉट फॉरगिव, दे डू नॉट फॉरगेट। अब यही क्वालिटीज ना आपको कैंसर के अंदर मिलेंगी जब हम और कैंसर मैम साइन चुपके से पढ़ेंगे, भी वार करते हैं, चुपके से वार करते हैं। चुपके से वार करते हैं, बहुत साइलेंटली मूव लेते हैं, साइलेंट मूव लेते हैं। एंड प्रोवाइड नॉलेज ओनली टू द पीपल हु डिजर्व। करेक्ट। एंड एक और चीज नोटिस की कि अश्लेषा वाले ना दे आर वेरी गुड ब्रदर्स, लाइक उनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन होता है जिसको वो प्रोटेक्ट करते हैं, यस सो दे आर आई वेरी थिंक प्रोटेक्टिव सिबलिंग्स। टुवर्ड्स स्पेसिफिक पीपल। ये प्रभाकर के चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल आई अभी। सो मैम वन ऑफ माई अंकल मैं ये सोच इज रहा था, एक चीज मैम पूछनी थी मैम, कि जैसे फोर्थ हाउस, इसीलिए कैंसर में मार्स डेबिलेटेड हो जाता है, क्योंकि मार्स जो है वो हेड ऑन लड़ाई करने वाला है, और अश्लेषा का ये मैटर होता है कि वो मतलब सामने उस वक्त लड़ाई नहीं करता है, वो लास्ट में मतलब बाद में वो अटैक करता है, जैसे सांप का जो नेचर होता है ज्यादातर। तो इसी वजह से अगर अश्लेषा में मैं मार्स हो तो फिर कैसा बंदा होगा। अपने भाई के लिए बहुत इमोशनल हो जाएगा, फ्रेंड्स के लिए इमोशनल हो जाएगा। मैम मैं बताऊं, आई थिंक ब्रदर्स के लिए इमोशनल ब्रदर्स के लिए इमोशनल हो जाएगा, एंड बहुत फ्रॉम इमोशनली अदर अटैच्ड फैमिली। होगा। हु सेड मैं बताऊं, प्लीज वो तो बताओ फाइट मतलब फाइट कैसे करेगा। मैम। मेरा डिबिलेटेड मार्स है कैंसिलियन साइन में और अश्लेषा लग्न में, हाँ तो मैम एक तो इमोशनल टर्मोइल बहुत रहता है, टुवर्ड्स माइंड व्हाट, बोलेगा लाइक एनी सिचुएशन, इफ यू गेट अटैच तो फिर वो दोस्त एक्ट हो जाता है कि ये करो कि ये करो, पर जब बीइंग अ कैंसिलियन साइन इमोशन ओवर ओवर पावर कर जाते हैं, और फिर उस सिचुएशन में इमोशंस में बह करके एक्ट आउट कर देना वो प्रॉब्लम में लैंड कर देता है। क्योंकि अगर मंगल अगर आपका श्लेषा में है तो आपको हमेशा वो मंगल की तरह वॉरियर करने पे वो हमेशा आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में लैंड करेगा, और आप मतलब एक हमेशा लूज सिचुएशन में होंगे। सो अश्लेषा इज अबाउट माइंड गेम एंड लाइक बीइंग काम एंड कंपोज इन द सिचुएशन, देन ओनली यू कैन विन दी इट। हाँ अटैचमेंट जरूर रहता है ब्रदर सिबलिंग्स को लेकर के, फ्रेंडशिप्स को लेकर के, और रिलेशनशिप एरिया खास करके। और ये जो गल्प वाला सिचुएशन ना, कई बार ऐसा होता है कि आप सामने वाले को प्लीड करने के लिए अपने आप को सप्रेस करोगे,
और जस्ट टू मेक फील कि हाँ सिचुएशन मैनेज हो जाए भाई, और नहीं सामने वाले को अच्छा फील हो, पर एट अ पॉइंट आपको अंदर अच्छा फील नहीं हो रहा है, फिर एट अ पॉइंट वो इतना पाइल अप होता रहता है, पाइल अप होता रहता है, इतना पाइल अप होता है, फिर एकदम है, दे वेरी डिफेंसिव और एज फिर वेल, वो चीज हो जाती है कि अल्टीमेटली आप ही रॉन्ग फिर हो, फिर श्लेषा वो वाले रीजन निकलता है. डिफेंसिव होते हैं, ठीक है, हाँ, बहुत बहुत डिफेंसिव बुरा, मोड में रहते हैं बहुत हमेशा, करेक्ट, बुरा. ठीक है, ये तो हो गया श्लेषा। मैम इस और 70 की लेडीज होती है ना, ब्यूटी पार्लर ज्यादा जाती हैं, वैक्सिंग ज्यादा कराती हैं, किसमें वैक्सिंग ज्यादा कराती हैं, स्किन का हाँ है ना, स्किन चेंज हो जाती है. स्किन अच्छे से स्किन साफ शेड चेंज करता है करते ना हैं. साहब, स्किन शेड करता है, हाँ ठीक है, नाइस, गुड वन, वेरी नाइस बहुत वेरी खतरनाक नाइस। रिलेशन है. अरे ये हाँ शेड वाले में एक चीज ये भी है कि इन ऑर्डर टू मूव अहेड इन लाइफ आपको अपना ओल्डर सेल्फ बार बार मारना पड़ेगा, और न्यू वर्जन में हमेशा स्टेप अप करना पड़ेगा. ये मेरी लाइक अभी तक की लाइफ जर्नी में ही मैंने देखा है, जब तक लाइफ पुराना में नहीं स्टेजेस छोड़ा होते हैं। है. देखो हाँ अश्लेषा फॉल करता है कैंसर साइन के अंदर, ठीक है, कैंसर हाँ को लीड करने वाला जो प्लैनेट है दैट इज मून, और मून का हमें सिर्फ एक ही साइड विजिबल होता है, दूसरा साइड हमें कभी विजिबल नहीं होता है। तो आप वहां पे हाइड भी करते हो, अश्लेषा के अंदर वही ना साइलेंट मूव है, तो वो हिडन टेंडेंसीज भी रहेंगी, हाँ जहां पे भी अश्लेषा फॉल करेगा वहां पे चीजें कंप्लीटली ओपन कभी नहीं होंगी, ठीक है। तो वो एक लाइफ का एक उस पर्टिकुलर जिस भी हाउस में फॉल कर रहा है सिग्निफिकेशन ना, वो हिडन रहेगा। मून ट्रू। वाली टेक्निक तो मैंने कईयों पे लगाई, मून जहां एंड पे एंड होगा एक ना और वहां पे चीज आप है चीजें कि को क्योंकि हाइड करोगे. मून वैक्सिंग वेयरिंग मोड पे चलता है, तो इसमें भी ना ट्रांसफॉर्मेशन होते रहते हैं, जो आप स्किन शेड करने वाली जो हम टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं, वी कैन रिजेम्बल इट विद वेनिंग एंड वैक्सिंग ऑफ मून, ठीक है। तो तो मैम वो जो लोग टैटू बनाते हैं उनका भी अश्लेषा होता है क्या प्रोमिनेंट? आद्रव होता है टैटू आद्रा वालों के, में आएगा, राहु का, राहु का होता राहु है ना, तो वो ये थोड़ा सा पेन है. वाला और आउट ऑफ द लीक जाकर के जो चीजें करने वाला काम है ना, वो राहु का काम है, अश्लेषा में नहीं आएगा। अश्लेषा अरे इज मैम वेरी अट्रैक्ट अश्लेष, टुवर्ड्स लैंड, आई थिंक मैम आद्रा अश्लेषा में भी नहीं आएगा. मुसीबत चढ़ रही है हाँ मैम. वैशाली आप कुछ कह रहे हो, ठीक है, मैम इज और अश्लेषा गुड फॉर स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो, मतलब सुना है मैंने. हाँ डेफिनेटली इट इज फॉर स्पिरिचुअलिटी एज वेल। इसका अगर हम दूसरा पार्ट देखते हैं तो कुंडलिनी जागृत के लिए इट इज लाइक वन ऑफ द प्रोमिनेंट नक्षत्र, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ अच्छा मैम मतलब बर्थ मार्क, हाँ कंटिन्यू. क्या कह रहे हो, बर्थ मार्क, हाँ मैम बर्थ मार्क का भी कोई रेलेवेंस होता है, लाइक जैसे कोई नक्षत्र रिलेटेड? अभी तो नहीं पता। बर्थ मार्क का जो रेलिवेंस मैंने सुना है वो आपकी पास्ट इमीडिएट पास्ट बर्थ से सुना हुआ है, नॉट विद नक्षत्रस। आई डोंट नो इफ आई विल फाइंड समथिंग रिगार्ड्स ऑफ नक्षत्र, डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू ऑल, ठीक है। अदर एनी अदर नक्षत्र देन वी विल बिगिन विद नेक्स्ट साइकिल, अगर इससे पहले वाले किसी भी नक्षत्र में डाउट हो। लॉट ऑफ पीपल लाइक न्यू ज्वाइनिंग कौन है यहाँ पे, सब पुराने ही है ना, महेश गुप्ता आप आज आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं, ओके ठीक है, आपने इससे पहले वाले रिकॉर्डिंग्स देख लिए सारे नक्षत्र के, आप म्यूट पे हैं। सॉरी सॉरी, हाँ देखा हुआ हाँ मैम, पर ठीक है, अभी तक कोई डाउट है पास के किसी भी नक्षत्र के अंदर, नहीं मैम, अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, देखता हूँ डाउट कुछ होगा तो आपसे पूछूंगा, ग्रुप में ठीक पूछ है लूंगा आपसे। नहीं ठीक। एनीवन एल्स, असम, रिपन, शैल वी बिगिन विद हाय दी नेक्स्ट जी नक्षत्र, अभी तक कोई डाउट, बिकॉज आप तो नहीं आते हो बहुत ज्यादा। जी या अभी भी आई रियली वांटेड टू जॉइन बट समहाउ स्किप हो जाता है, सो आई डोंट वांट टू मिस योर सेशन. इट्स ऑलवेज बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस बीइंग विद यू.
तो प्रोबेबली आई डोंट थिंक सो, आई हैव एनी डाउट, बट यस आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट मघा. हाँ वो तो लग्न में आ रहा हाँ, लग्न में आ रहा है. एंड आई हैव ना। प्रोमिनेंट थ्री प्लैनेट्स इन मघा, माय जुपिटर, हाँ माय राहु एंड माय मार्स, ऑल थ्री आर आप इन तो मघा. वीडियो भी ऑन कर लो फिर अपना, आपका चार्ट हम आज उठाएंगे। ठीक ठीक है ठीक है, ऑल राइट श्योर, है ठीक डन. है, जी तो प्री रीड्स पढ़ लिए हमने। जी यस, काफी. ओके काफी नहीं मतलब मघा के पढ़ लिए। हाँ नहीं, मघा के नहीं पढ़े मैंने, मतलब पुराने वाले अभी पढ़े हैं. बट मघा मुझे, आई हैव अ बिट ऑफ द नॉलेज रिलेटेड विद द पितरीज, टू लीव द बॉडी एंड चेयर, टू स्टार्ट ऑफ यू नो टू गेट, बिकॉज इट्स द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड साइकिल. सो हियर द केतु प्ले मोर कनेक्टेड विद द पितरीज एंड ऑल. इट इज कंप्लीटली आई कनेक्टेड हैवन, विद द पितरीज, यस नॉट मोर बट कंप्लीट, बिकॉज ये दिस इज अ वेरी कार्मिक नक्षत्र। मघा नक्षत्र जो है बहुत कार्मिक नक्षत्र है, ये मतलब 10th नक्षत्र फॉल कर रहा है नक्षत्र साइकिल के अंदर। बट कर्मा किसका है? कर्मा है पितरी का, हमारे जो डीटीज, जैसे हमने अभी तक डीटी से बहुत सारी चीजें सिंबल्स से और डीटी से ही अभी तक हमने जितना डिकोड किया है, और प्रोमिनेंट जो भी किसी गॉड का रहा है नक्षत्र, उसकी मतलब लाइफ के पैटर्न से इट हमने। वर्क्स, इट वर्क्स बोथ वेज एज अ ब्लेसिंग एंड अ कर्स. सो मघा, आई गेस, इफ समवन हैज अ वेरी प्रोमिनेंट मघा, सो ही हैज अ वेरी स्पेशल लाइफ पैटर्न, आई गेस. हाँ उसका रीजन क्या है, देखो वी आर समबडी हु आर डिसेंडेंट टू सम एंसेस्टर्स, राइट? हम किसी लीनेज से आ रहे हैं और आगे राइट. भी लीनेज को ही कैरी फॉरवर्ड करना है। अभी आप जिस पोजीशन पे हैं वो पर्टिकुलर पोजीशन किसी और को कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी आगे चल के, राइट? सो यहाँ पे जो चेयर की बात की गई है, वो चेयर आपके उन कार्मिक पैटर्न्स की है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जो जो चेयर पे होता है पर्सन, उसके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एंड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टूवर्ड्स योर पितरीज, योर एंसेस्टर्स, वॉट एवर कर्मास दे हैव लेफ्ट पेंडिंग, कर्मास जो उनने छोड़ दिए हैं, काम बीच में छोड़ दिया, वो काम आपको करना है। तो यहाँ पे अच्छा, इसका जो प्लानिटरी रूलर है विच इज केतु, अभी तक जैसे फर्स्ट साइकिल का हमने केतु का डिस्कस किया, तो केतु एनर्जी फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। यहां से भी अब केतु ध्वजा को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पे केतु होता है वहां से साइकिल स्टार्ट होती है। सो दिस इज द सेकेंड साइकिल एंड द बिगिनिंग ऑफ, आप जो पावर आने के बाद में हम मेटरलिस्टिक चीजों की तरफ जाते हैं, वो वाला साइकिल जो है ये आपका सेकेंड नक्षत्र की साइकिल में आएगा। इससे पहले जो था वो बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल कर रहा था, पहले जो 9 नक्षत्र थे, राइट? सो राइट. अभी इफ यू सी द सिंबल ऑफ दिस नक्षत्र, यू सी इट्स इट लुक लाइक अ वेरी रॉयल चेयर। अब इस पर्टिकुलर सिंबल को देख करके क्या क्या थॉट्स आते हैं, मतलब अगर हम कोई थ्रोन को देख रहे हैं, लुक एट दिस, बाहुबल, पॉलिटिक्स, पावर, पावर, ठीक है, व्हाट एल्स, पोजीशन, पोजीशन, समथिंग पोजीशन। हाँ ऑब्वियसली लाइक पोजीशन है तो पोजीशन के वेरी साथ में ही ग्रैंड. पावर भी है, ठीक है, हाँ, ग्रैंड. ग्रैंड, ठीक है, व्हाट एल्स, और बाहुबल, बाहुबल हो गया, पावर हो गया ना, ऑब्वियसली जो रूलर. किंग है तो किंग के नीचे तो किसी के ऊपर तो राज करेगा ना, ये किंग का थ्रोन है। पावर कम्स विद पोजीशन, आने वाला, आप ऑर्डर्स जब देने वाला, अथॉरिटी, ऑर्डर देने वाला, हाँ करेक्ट, ऑर्डर देने वाला, रूलर, रूलर, ठीक है, गाइड करने वाला, गाइड करने वाला। डीटीज का काम क्या होता है, गाइड करना अपन. हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं, गाइड, पूर्वज,
उनका काम क्या होता है वो बेसिकली, व्हाई उनका काम ब्लेसिंग्स, होता है हम लोग को सही ब्लेसिंग रास्ता पे गाइड रखना, ब्लेसिंग लीनिएज, देना, कैरी फॉरवर्ड द लीनिएज, कैरी फॉरवर्ड द गाइड लीनिएज, करना, गाइड ब्लेसिंग करना देना, मतलब कि ठीक ठीक है, है, ब्लेसिंग्स हाँ देना। ब्लेसिंग देना, बट वो गाइड ब्लेसिंग्स करना क्यों दे रहे हैं? ताकि हम वो आगे काम बढ़े। करवाने के लिए जो वो नहीं कर पाए, वो हमसे करवाने के लिए कुछ ओके छूट गए हैं उनसे, एंड ताकि हम आगे बढ़े। एंसेस्टर्स कौन होते और हैं? हमारे पूर्वज जो पहले रह चुके थे, जिनका टाइम पूरा हो गया। जिनका टाइम पूरा हो गया है। ओके, आर वी टॉकिंग अबाउट ओनली वन बर्थ? नहीं नो यस इट कुड बी फ्रॉम सम अदर बर्थ एज वेल, राइट? yes. जिसको हम गाइडिंग एंजल्स भी बोलते हैं दूसरी भाषा में, जो पीएलआर थेरेपी किसी ने कराई है यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम मी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी? अच्छा, कार्ड सुना रीडिंग्स जो लोग करते पहली हैं, बार है अच्छा सुना ही पहली बार है, ठीक है, आई एंजल विश आई कार्ड कुड। रीडिंग्स। हाँ, एंजल कार्ड रीडिंग्स और टैरो कार्ड रीडिंग्स के अंदर एक टर्म आती है, आपके गाइड एंजल का ये मैसेज है। हु आर दीज गाइड एंजल्स? पितृ पितरीस। पितरीस का बेसिकली जो काम है, जैसा अभिषेक अभिषेक सेड, राइट, कि उनके जो काम नहीं हो पाए हैं वो काम कराने का है। कराना सी वी ही आई मीन आर एंसेस्टर्स आर ऑन अ डिफरेंट यूनिवर्सल प्लेन, वी आर ऑन अ डिफरेंट यूनिवर्सल प्लेन। अभी उनके पास में जो पावर्स है वो पावर हमारे पास नहीं है, हमारे पास में जो पावर है वो उनके पास में नहीं है। कर्ण वाली स्टोरी याद है? जब कर्ण ने बहुत दान पुण्य किया है, ही वेंट टू यमराज, तो यमराज ने उसको खाने के लिए कुछ नहीं दिया, सोना दिया। आई नो दिस स्टोरी। अच्छा एंड देन 15 डेज का जो हम जिसको बोलते हैं ना पितृपक्ष लग रहा है, उसके बाद से स्टार्ट हुआ ना वो, हाँ कि हाँ हाँ बिकॉज हाँ व्हाट उसको धरती पे वापस भेजा गया ना, कि मतलब रीजन, उसने व्हाट वाज द इतना। रीजन बिहाइंड इट, मैं बिकॉज ही स्टोरी एक बार अच्छे से मेंशन, सुना दीजिए। हाँ ही मेंशन, तो कर्ण को ना दानवीर कर्ण बोलते थे। वो क्या करता था, डेली सूर्योदय के टाइम पे दान करता था, सोना दान करता था कर्ण। तो जब उसका डेथ हो गया, यम से जब उसका मुलाकात हुआ, तो वहां पे सब लोगों को तो स्वर्ग मिला, बट देन ही वाज ऑफर्ड विद गोल्ड, खाने के लिए गोल्ड दिया। तो देन ही आस्क्ड कि मेरे को सोना क्यों मिल रहा है, मैंने तो इतने दान पुण्य किया है। तब वहां पे यमराज ने बोला कि आपने सोना ही दान किया है, तो आप जो दान करोगे वही आपको मिलेगा। सो व्हाट यू आर डूइंग बेसिकली, यहाँ पे जो हम पितरों की बात कर रहे हैं, इट इज यू व्हाट एवर कर्म यू आर डूइंग ऑन अमावस, या आप जो भी रिचुअल्स कर रहे हो, यू आर डूइंग फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर देम, बिकॉज वन डे यू हैव टू बिकम एंसेस्टर्स टू योर डिसेंडेंट्स। अब नाउ ही सेड कि मेरे को किसी ने नहीं बताया, तो देन यमराज आस्किंग, ओके गो बैक, टेक 15 डेज टाइम और जाके तुम खाना डोनेट करो। उसका रीजन ये था क्योंकि ही मेंशन कि मेरे को अपना लीनेज ही नहीं पता था। अब 5th हाउस के अंदर, लियो साइन के अंदर, जो सब हम किस किस चीज को कंसिडर करते हैं अपार्ट फ्रॉम पावर, प्लैनेट राशि पूर्व पुण्य किड्स के लिए, पुण्य शिक्षा पुण्य की बात करते हैं, शिक्षा किड्स किड्स के लिए, आपके ग्रैंडफादर का हाउस होता है, लिनेज किड्स फैमिली लिनेज। क्रिएटिविटी लर्निंग, प्रोजेनी के लिए देखते हैं, ठीक है, आपके ग्रैंडफादर का होता है 5th हाउस, विच इज 9th से 9th, ठीक है। एंसेस्टर्स कौन है? एंसेस्टर्स के लिए हम 3 लीनेज देखते हैं ना, आपका फादर, ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर, 159। एंड किड्स के लिए, अब जो प्रोजेनी हो रही है वो किस लिए की जा रही है? सो दैट आपकी जो आगे आने वाली लीनेज है वो आगे बढ़ सके। एंड व्हेन यू विल बिकम एन एंसेस्टर्स, योर डिसेंडेंट विल पे ऑफ दैट रिस्पेक्ट बैक टू यू। एंड 5th हाउस इज पूर्व पुण्य, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इट इंडिकेट योर फेम, कि किसी को कितना फेम मिलेगा। वहां पे जैसा अभी रिपन ने भी मेंशन किया कुछ देर पहले, कि इट कुड बी द वेरी गुड और कुड बी वेरी बैड,
उसका रीजन यही है कि आपके एंसेस्टर्स ने जो भी कर्मा किया है, यू हैव टू कंप्लीट दैट कर्मा फ्रॉम देयर ओनली, एंड यू आर गेटिंग द पावर फ्रॉम देम, द ब्लेसिंग्स फ्रॉम, इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स. और वो ब्लेसिंग्स कब आएंगी? व्हेन यू आर गोइंग टू पे रिस्पेक्ट टू देम. अब जो मघा नक्षत्र है, मघा नक्षत्र पावर को सिंबलाइज कर रहा है, थ्रोन को सिंबलाइज कर रहा है. किस थ्रोन की बात की जा रही है? कि आपको एक गद्दी दी जा रही है, वहां पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, एंड मोर ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आप एक पर्टिकुलर टास्क दिया जा रहा है. दिस पर्टिकुलर नक्षत्र इज कंप्लीटली डिनोट पावर, अथॉरिटी एंड रूलरशिप, फेम को दिखा रहा है. मगा नक्षत्र रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, तो फिर ऐसे पर्सन को देखो ना, ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही है एंसेस्टर्स की. एंड विदाउट ब्लेसिंग ऑफ योर एंसेस्टर्स, अभी जिन लोगों के बच्चे नहीं होते हैं, जिनको प्रोजेनी में प्रॉब्लम आता है, तो मतलब दे आर सम सीरियस कर्मास विच द पर्सन हैव परफॉर्म्ड इन द प्रीवियस बर्थ, और मे बी द एंसेस्टर, दे आर कैरिंग द कर्स ऑफ देयर एंसेस्टर्स, दैट इज वाई दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट देयर लीनेज वाला साइकिल, कि आगे उनकी पीढ़ियां नहीं बढ़ पा रही हैं. तो जब हम मघा नक्षत्र की बात करते हैं, तो मघा नक्षत्र की जो पहली टेक्निक है वो क्या कहती है, कि जहां पे भी मघा नक्षत्र फॉल कर रहा है, ठीक है, वहां पे आपको पावर का स्ट्रगल है. एज यू विल बी इन्फ्लुएंस्ड विद द पावर एंड पोजिशन, तो सोल वाला जो लेवल है ना, वो वहां पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मतलब क्योंकि हायर इंटेलिजेंस को भी दिखा रहा है. सो यू सी, वॉट एवर प्लैनेट इज गोइंग इन मगा नक्षत्र, वहां पे उस पर्टिकुलर सिग्निफिकेशन को पावर चाहिए. एंड दिस पर्टिकुलर, लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ वीनस इज इन मगा नक्षत्र, तो रिलेशनशिप के अंदर उसको अपर हैंड चाहिए, पावर चाहिए, कि उसकी चलनी चाहिए, वो ऑर्डर्स नहीं एक्सेप्ट करेगा जो भी पर्सन होगा, अगर उसका वीनस मगा नक्षत्र में जा रहा है. मगा नक्षत्र वाले जो है ना, जब चलते हैं तो उनको अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ती है. किंग को किसी को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट? उनकी उनका जो चार्म है या अथॉरिटी है, वो दिखती है. एंड नाउ दीज आर द पीपल हु कैन नॉट वर्क ऑन द ग्राउंड लेवल. जो भी सिग्निफिकेशन आपका मगा नक्षत्र में जाएगा, वहां पे आप ग्राउंड लेवल पे, बेसिक लेवल पे काम नहीं कर पाओगे. आपको एक बनी हुई सल्तनत चाहिए. अब राजा कौन बनता है? जो कि राजकुमार है आफ्टर अ सर्टेन एज. यहाँ पे आपको चीजें ब्लेसिंग्स मिल रही है ना, है उसमें मिल रही है, इनहेरिटेंस में मिल रही है, आप क्रिएट नहीं कर रहे हो. तो जो भी आपका यहाँ पे इधर इट इज गोइंग एक्सट्रीम गुड और एक्सट्रीम बैड, इट इज कंप्लीटली अफेक्टेड बाय दी पूर्व पुनिया एंड योर डिटीज. यहाँ पे जिस भी हाउस में फॉल करेगा मघा नक्षत्र, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर यू डोंट वॉन्ट एनी बडी टू गिव यू इंस्ट्रक्शन, रेदर यू विल गिव ऑर्डर्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया. एंड आपको वहां पे खुद को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पीपल विल गेट टू नो. एज वी हैव मेंशन कि वहां पे आपके पास पावर है, कुंडली के जिस भी एरिया में मघा नक्षत्र आ रहा है, वहां पे आपके पास में पावर ऑटोमेटिकली है, क्योंकि केतु जो है वो फ्लैग को रिप्रेजेंट कर रहा है. और केतु किस चीज को सिंबलाइज करता है? जब हम केतु की बात करते हैं, मतलब जहां पे भी केतु आता है, उस पर्टिकुलर कर्मा को हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं. वी आर नॉट अटैच टू दैट पर्टिकुलर एरिया जहां पे भी केतु फॉल करा है. तो सेम विद द मघा नक्षत्र, मघा नक्षत्र के अंदर अटैचमेंट नहीं होता है. पीपल विल गेट टू नो देम सेल्फ. जैसे वो बोलते हैं ना, कौन सा टच, वो टर्म है, आई एम फॉरगेटिंग, केतु के लिए एक टर्म हम यूज करते मेडोसा हैं. हाँ, केतु के लिए एक टर्म यूज किया जाता है, जो हिंदी शफा, वाला, शफा, शफा. हाँ हिंदी जहां वाला केतु वाला फॉल करता है वहां शफा है. वहां पे नेचुरली आप
आपको चीजें सेंस होती हैं, सेम विद दी नक्षत्र ऑफ केतु। जहां पे भी केतु का नक्षत्र फॉल करेगा वहां पे आप चीजों को सेंस कर पाओगे, फील कर पाओगे, आपको किसी ग्राउंड वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और एक ऑब्सेशन आता है, ऑब्सेशन जैसे गद्दी के साथ ऑब्सेशन आता है ना, पावर का ऑब्सेशन होता है, उस पर्टिकुलर एरिया में आपको एक ऑब्सेशन आता है मघा नक्षत्र के अंदर। अभी अगर किसी का फिफ्थ हाउस के अंदर मघा आ रहा है तो उसको किस चीज के साथ ऑब्सेशन होगा, लाइक विद द किड्स, किड्स और किड्स सेम क्योंकि मेरे फिफ्थ हाउस के सभी सेम सेम किड्स स्टडी सेम किसी एजुकेशन पावरफुल गर्लफ्रेंड पोजीशन पे भी जा सकते हैं, लेकिन जितने भी मैक्सिमम आप पॉजेसिव। मैडम 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 अभी तो आपने कहा कि ऑब्सेशन आ जाता है केतु के कारण, लेकिन इससे पहले आपने कहा कि केतु जहाँ पे है वहां पे लेके आप वो उतना डिटैच हो जाते नहीं हो, वो अटैच क्यों कर्मा आप रहते हैं। ऑलरेडी कर चुके हो। देखो एक होता ना कि शफा आने का मतलब है कि आपको वहां पे चीजें फील हो रही है, आप अटैच नहीं हो बिकॉज यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दैट साइकिल। झंडा कब मिलता है, झंडा तब मिलता है जब आप वहां पे चीजें सीख चुके होते हो। केतु जहां पे फॉल करता है वहां पे आपको कुछ सीखना नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये यू आर जो रेडी है फॉर वॉर, यू आर रेडी रेडी फॉर फॉर वॉर। वॉर, करेक्ट, यू आर रेडी फॉर वॉर। एंड अब देखो ना कि ये बहुत रॉयल नक्षत्र है मघा नक्षत्र। जब हम गवर्नमेंट जॉब्स चेक करते हैं, क्योंकि ये रॉयलिटी पावर अथॉरिटी की जो पोजीशंस होती है वो आपकी मघा नक्षत्र के अंदर आती है, लाइक पीपल हु आर हैविंग प्रोमिनेंट मघा नक्षत्र और या उनका 10th हाउस 10th लॉर्ड के अंदर फॉल कर रहा है, दे यूजुअली गेट इनटू पावरफुल पोजीशन जहां पे लीडिंग पोजीशंस होती है, उनका कर्मा लीडिंग वाला हो जाता है। जहां पे भी मंगा रहा है वहां पे आप लीड कर रहे हो, आपको लोग देख रहे हैं और वो आपको देख के फॉलो कर रहे हैं, वहां पे आप किसी को फॉलो नहीं कर रहे हो। चार्ट का बिल्कुल सही है, आई हैव केतु इन मघा तो एंड इट स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लेन्स। लेकर के लोग आपको फॉलो करेंगे। हाँ मतलब मेरी हमेशा है, हाई पोजीशन आई है हाँ, तो ऑलवेज। पोजीशन आप ऑब्वियसली लाइक यू विल गेट द हाई पोजीशन। अब 7th हाउस में आ रहा है तो हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो एक बहुत अथॉरिटेटिव पोस्ट के साथ में आ रहा है। मतलब आई हैव सीन मैक्सिमम पीपल हु आर इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड हु हैव क्लियर्ड यूपीएससीज, ये बहुत अच्छी पोजीशंस पे आके जो काम कर रहे हैं, दे हैव प्रोमिनेंट मघा नक्षत्र और एल्स देयर दशा इज गोइंग ऑफ मघा नक्षत्र। मघा का केतु गाड़ी पे झंडा लगवाता तो कौन है यहाँ पे गाड़ी पे झंडा लेके घूमता है, ज्योतिका नहीं जी? गाड़ी पे उसका नाम लिखवा देता है, हाँ, जैसे गाड़ी पे पावर दे रहा है नाम बेसिकली आपको ना, मघा लगवा नक्षत्र आपको पावर दे रहा है, देता। लेकिन एरोगेंस भी आता है उसके साथ में। बिल्कुल तो मघा वाली सिग्निफिकेशन के अंदर आप किसी से सुनना नहीं पसंद करोगे, आप सुना दोगे। अगर सैटर्न है प्रोफेशन के लिए, आप किसी से सुनोगे नहीं, आप ऑफिस के अंदर अथॉरिटी के साथ में काम करोगे या आपके अंडर बहुत सारे लोग काम करेंगे। सैटर्न आप सबऑर्डिनेट्स को भी दिखाता है ना, ग्राउंड लेवल को बहुत सारे लोग काम करेंगे अगर सैटर्न मगा के अंदर है। मैम, ये कस्प वाला ही होगा या फिर जैसे लियो में फॉल करता है तो जहां लियो होगा। प्रभाकर कौन बोल रहा है, किसका क्वेश्चन है? प्रभाकर मतलब प्रभाकर, ये प्रोमिनेंट हम सेकंड कस्प सेकंड वाले में। स्टार्ट कर रहे हैं, डोंट आस्क मी सिली क्वेश्चंस। मैम मेरा वो मतलब नहीं था, मतलब ये था कि कस्प पे तो प्रोमिनेंट होगा, तो जैसे कुछ होता है कि नहीं पढ़ रहा है तो भी कुछ तो रिजल्ट आते हैं अच्छा, जो नॉर्मल होते हैं। जब कस्प पे फॉल कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल इसकी जो डिग्रीज है 0 से 13 डिग्री 20 मिनट तक लियो में आ रहा है, पहले तेरह डिग्री 20 मिनट लियो के अंदर है। अब कोई पैदा हो रहा है 1 डिग्री पे, लग्न 1 डिग्री पे आ रही है, ठीक है, एरीज राइजिंग, तो मघा का 5th हाउस में फॉल कर रहा है, हाँ वो तो है, और मघा में कोई लेकिन जैसे नक्षत्र मतलब उस नक्षत्र में कोई प्लैनेट नहीं आ रहा है, तो इसके लिए तो प्रोमिनेंट हो गया ना 5th हाउस रिलेटेड। उसके लिए तो है मैम, जैसे जैसे अब ये किसी का लग्न मतलब जिस डिग्री जो है वो 13 डिग्री के बाद का है, मान लो 15 डिग्री है और उसके 5th हाउस में पड़ रहा है,
रिजल्ट तो उतने प्रोमिनेंट नहीं होंगे, बट थोड़े बहुत रिजल्ट तो होंगे ही। तो वहां पे फिर दो नक्षत्र के, ये तो वही हो गया ना, जब हम दो रंग मिलाते तो तीसरा रंग बनता है ना। आपने एक डार्क ब्लू ले रखा है, थोड़ा सा व्हाइट मिला दिया तो वो थोड़ा कम ब्लू हो जाएगा, पर रहेगा तो ब्लू। सो यहाँ पे फिर जो भी दो नक्षत्र तीन नक्षत्र फॉल करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सिर्फ एक ही नक्षत्र है आपको उस पर्टिकुलर हाउस में रिजल्ट मिल रहा है। बाकी प्लैनेट्स की जब सिग्निफिकेशन आएगी तो प्लैनेट की सिग्निफिकेशन हम पिक करेंगे, बट ऑब्वियसली अगर कस्प पे आ रहा है तब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम तीन तरीके से यहाँ पर प्रिडिक्शन दे रहे हैं ना। पहला तो आपका लगन या फिर मून फॉल कर रहा है, तब तो उसके ओवरऑल सारे चार्ट में अप्लाई करने वाला है, स्पेसिफिकली मून। दूसरा जिस भी किसी हाउस के कस्प पे आ रहा है और उसकी जो डिग्री है वो मघा नक्षत्र की डिग्री से मैच कर रही है, इन बिटवीन आ रहा है 1 to 13 point ये 20 minutes। और तीसरा जब कोई प्लैनेट वहां पे आके बैठ रहा है। चौथा जो प्लैनेट आ रहा है वो कहाँ की रूलरशिप या कहाँ का लॉर्ड है या उसका कहाँ का सिग्निफिकेशन लॉर्ड क्या है? है, वो चौथी और लेयर मैम है। अगर इसका 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 लॉर्ड भी कहीं जाके बैठता है तो भी रिजल्ट वैसे ही आएगा। मघा का लॉर्ड नहीं, बट फिर उस केस में तो ये देखना पड़ेगा ना कि मघा का लॉर्ड तो मतलब आप केतु की बात केतु कर रहे हो या आप सन की बात कर रहे हो। देखो केतु 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 मैम। नक्षत्र ना दशाएं, जैसे हम विषुवत दशा जो है इट्स अ नक्षत्र बेस्ड दशा। होता क्या है जब हम दशाओं को एनालिसिस करते हैं तो अब दशा का सीक्वेंस क्या है, आपकी पहली दशा कौन सी होती है जिसमें चंद्र बैठा हुआ है, उस नक्षत्र की दशा पहली आती है, ठीक है। मीन वाइल इट गोज इन द सीक्वेंस, तो उसका लॉर्ड जहां पे बैठा हुआ है पर्टिकुलर वहां का रिजल्ट आपका और वो लॉर्डशिप जो है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी की मघा नक्षत्र की दशा शुरू हो गई है, ठीक है। तो अब मघा नक्षत्र में जो प्लैनेट बैठा हुआ है उस हाउस का रिजल्ट तो आएगा क्योंकि वो हाउस एक्टिवेट हो रहा है, लेकिन केतु की पोजीशन कैसी है का चार्ट के अंदर वो भी टेस्ट देगी दशा। सो केतु और राहु जैसे आप का बोलना चाह रहे हो कि अगर सैटर्न है मघा में, तो हम ये भी देखेंगे कि केतु आपका चार्ट में कहाँ बैठा। सैटर्न की भी होगी, लॉर्डशिप की भी होगी, और केतु की भी, देखो, केतु भी पहला देखना जो हो। सबसे पहला जो रिजल्ट आएगा ना वो जहां बैठा है प्लैनेट वहां पे देगा, वो फिजिकली जहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरा वो अच्छा पर्टिकुलर प्लैनेट का नक्षत्र का जो लॉर्ड है, मतलब ऑब्वियसली इफ इट इज इन फिफ्थ हाउस तो फिफ्थ हाउस में जो नक्षत्र है नक्षत्र का लॉर्ड कौन है, इट इज इंपॉर्टेंट। अब वो नक्षत्र लॉर्ड की पोजीशन कैसी है, लॉर्ड इज एग्जॉल्टेड डेबिलेटेड, कैसी पोजीशन में जाके बैठा है, कैसा फील कर रहा है, वो टेस्ट आएगा आपका, ब्लेंड होकर के मिलेगा दशा के अंदर और वो थ्रू आउट द दशा रहेगा। सपोज किसी की जुपिटर की दशा चल रही है, ठीक है, मैम, और मैंने जो सुपर पढ़ा, क्या कह रहे हो, मैम मैंने एक सूत्र पढ़ा हुआ है कि ग्रह अपने नक्षत्र का पहले रिजल्ट देता है, फिर अपना देता है। थ्रू आउट द दशा नक्षत्र का रिजल्ट देता है ओके पहले, बाद में तो वो करेगा लॉर्डशिप के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आज किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि टॉरस वीनस की जब दशा आएगी तो वो टॉरस का पहले रिजल्ट देगी या लिब्रा का रिजल्ट देगी, पहले जो ओके राशि आएगी उसका रिजल्ट आएगा ना, पहले सबसे पहले तो वहां का रिजल्ट आएगा जहां पे वीनस बैठा हुआ है बिल्कुल हाउस राइट, का, हाउस यह का राइट है जैसे हाउस हाउस में का। वीनस पोजीशन है फिजिकली जहां प्रेजेंट है। अब मैं यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट हूं तो मैं काम यहाँ पे फिजिकली जल्दी कर पाऊंगी ना, मेरे घर पे क्या हो रहा है वो मैं, अगर वहां पे कोई बैठा होगा वो मेरा फ्रेंड होगा तो वो मैनेज कर लेगा, बट अगर मेरे कोई दुश्मन बैठा है मेरे घर के अंदर वो कैसे मैनेज करेगा। तो टेक इट एज इंडिविजुअल की फिजिकली प्लैनेट कहाँ पे प्रेजेंट है, पहला रिजल्ट वो वहां पे देगा और वो अपने किस पोजीशन पे आकर के बैठा हुआ है।
अपने दोस्त के घर में है, अपनी खुद की राशि में बैठा है या एग्जॉल्टेड स्टेट में बैठा हुआ है, दूसरा रिजल्ट जो आता है कि वो कहाँ का लॉर्ड है। तो जहां का लॉर्ड है उस एरिया जैसे में रिजल्ट देगा। मैम अगर दो दो लॉर्ड जैसे वीनस ही है, तो अगर दो राशि का लॉर्ड है और अगर एक नहीं है, राशि नहीं दिख रहा त्रिक भाव में हो। एग्जाम्पल ले हाँ लेते हैं, लेट्स मैम, टेक एन एग्जाम्पल। मैम मैडम को ये तो पहले दिख अपनी रहा होगा ना, मूल होता मूल त्रिकोण राशि का रिजल्ट नहीं देता ग्रह? जैसे शुक्र है तो तुला उसकी मूल त्रिकोण राशि है, तो पहले उसका हाँ। प्रभाव नहीं देगा? देखो एक नहीं, पहले टॉरस का आएगा, ठीक है। मूल त्रिकोण राशि के अंदर अगर कोई प्लैनेट खराब पोजीशन में बैठा होगा ना, तो फिर वो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा वहां पे। वो तो मैम सेकंड पार्ट है ना, अगर फर्स्ट लेयर देखें तो हम, नहीं, पहले उस राशि का रिजल्ट देगा जो उसकी कि पहली ऐसा राशि है। नहीं है, इसमें ऐसे होता है कि हाँ रिपन, प्लीज कंटिन्यू। नहीं, रिजल्ट इसमें ऐसे आता है जो इवन राशिज है ना उनके नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं, और जो ऑड राशिज है ना उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। जैसे सर ने मून और सन की उससे बताया था एग्जाम्पल दे करके, तुमने लिखा था, किसी ने तो लिखा था ग्रुप के अंदर वो मून और सन वाला, कि वो उस ल्यूमिनरीज है ना। हाँ उसके जैसा प्लैनेट जो जो भी है, जैसे वीनस के जैसा जुपिटर है, तो वो एक रिजल्ट तो अच्छा कर देगा और एक को खराब कर देगा, एक ही चीज देगा। और वो प्लैनेट जैसे अगर बेनिफिक है तो ऑब्वियसली, अगर मैलिफिक पोजीशन पे आके बैठा है, जैसे वीनस अगर नीचस्थ स्थान पे है, तो वीनस आपको जो रिजल्ट देगा वो मेटरलिस्टिक डिजायर पूरी करेगा, लेकिन लिविंग सिग्निफिकेशन को खराब कर देगा। ये तो है मैम। ठीक है। वो राशि मतलब जो एरिया है उसका जहां पे रिजल्ट दे रहा है उस एरिया को समझोगे, देन मतलब सी इट इज वेरी इजी, इट्स जस्ट गो विद बेसिक्स, डू नॉट कॉम्प्लिकेट इट। ठीक है। अच्छा, अभी तक कोई डाउट ऑन द पार्ट ऑफ मघा नक्षत्र और एनीवन वांट टू ऐड ऑन? प्रदीप जी, कहानी सुना रहे हो क्या पित्री की? तो कोई खास पॉइंट्स नहीं हुए ना मैम इसके अंदर, क्लोन खास खास पावर देखो, सिर्फ फेम यही पूर्व हुए? पुण्य का घर है ना, पांचवा घर। जब आप केतु के नक्षत्र देखोगे, वन मैम फाइव आपका आवाज नाइन क्लियर नहीं आ रहा है, कभी कभी कट रहा है मैम। एक सेकंड होल्ड ऑन, मैं नेटवर्क कनेक्ट करती हूँ फिर से। हाँ आपकी आवाज है, कट रही है। बोल, गिव गिव मी 2 मिनट्स, आई एम जस्ट कनेक्टिंग विद अनदर वाई फाई। हेलो हाँ हबी, हाँ हबी बोलो बेटा, जल्दी बोलो। बेटा मामा अभी क्लास ले रहे हैं, कल आराम से बात करते हैं। हाँ अच्छा, हाँ बेटा गुड नाइट। अभी रखते हैं बेटा। हाँ
अच्छा इसका ना एक और टेक्निक है, आई थिंक आई फॉरगॉट टू डिस्कस, इसका जो सिंबल है विच इज रेड, मगा का मेंशन किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है एनिमल मेंशन का। किया हुआ है ना। हाँ तो हाँ अब यहाँ हाँ पे रैट है। हाँ ना, अब देखो फिफ्थ हाउस आपका लव अफेक्शन का भी है, ये जो सिग्निफिकेशन जितनी भी राशिज की उठाई है ना वो नक्षत्र से उठाई गई है, जो कोर एनर्जी है वो नक्षत्र की एनर्जी है। तो सेक्सुअलिटी को भी दिखाता है, आई वुड लाइक टू एड कि मघा आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी दिखाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिकॉज अगर आप थ्रोन पे बैठे हो तो यू कैन नॉट बी देयर विदाउट अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई मीन इट शोज एन एलिमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। नॉट ओनली दैट, आपको वहां सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, ट्रू, एब्सोल्युटली। ठीक है? तो आप जैसे राजा को फैमिली के साथ सेक्रीफाइस करना होता है ना, वो एक अच्छा तो अगर इंडिविजुअल बेनिफिट को नहीं देखेगा, वहां पे सबको मैम, लेकर के अगर चलता है। मघा मघा आपका सही होगा तो आप राम जी की तरह चलोगे, और खराब होगा तो वे उसकी तरह क्या कहते हैं, धृतराष्ट्र की तरह, या फिर जो उसका लड़का था जो अपने बारे में केवल सोच रहा था, गद्दी के लिए कुछ भी कर रहा था। हाँ तो यहाँ पे नहीं, आपने ये इसमें हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि जैसे जो राम जी हैं वो सूर्यवंशी थे, ही वाज द फर्स्ट प्रिंस, और ही वाज द फर्स्ट वन हु इज, जैसे उनका मतलब करेक्टर बहुत अच्छा था अगर आप उनको बैक लीनिएज में जाएं। पुरुषोत्तम। हाँ पुरुषोत्तम राम, बिकॉज अगर आप जितने भी सूर्यवंशी राजा हैं उनकी बहुत सारी रानियां थी, सो इफ वी कंसिडर इट विद द सेक्सुअलिटी पार्ट, तो मतलब अगर मघा नक्षत्र सही है ना होगा तो तो हाँ सही होगा, तो वो आप इसकी पुरुषोत्तम राम जैसे हो गए, बट ये बहुत और डिफिकल्ट एफ्लिक्टेड आ होगा तो जाता है, भोग विलास बट वाले वही होंगे। हाँ भोग विलास वाले होंगे, एब्सोल्युटली। वैसे अच्छा भोग विलास के लिए एक्चुअली नहीं, भोग विलास के लिए पूर्वा फाल्गुनी है, नॉट मघा। मघा ओके भोग विलास के लिए नहीं है, बट इट इज फॉर सेक्रीफिशियल, बिकॉज सी राजा की बहुत सारी रानियां हैं, अंडरस्टूड, बट वो रानियां किसी रीजन से है। मैडम ये वॉर का साइन है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब यहाँ टेंथ पे बियर नक्षत्र है ना, करना, तो यहाँ यहाँ पे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है आपको। सेक्सुअलिटी कैसे आ जाएगा वॉर फील्ड में, आप नहीं थोड़ी है ना इसके बारे में देखो, सोचोगे। जहां प्रोमिनेंट मगा होगा ना, सेक्सुअलिटी इन अ वे फॉर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको। जब ब्रह्मा ने सृष्टि अच्छा हाँ बनाई तो वो सृष्टि लेगेसी का सृजन है, के लिए लेगेसी का लिगेसी वाला है। हाँ तो वो आपको लिगेसी मिलती है ना, हाँ, फेम मिल रहा है, नेम मिल रहा है लियो के अंदर, वो अपने बाद अपने प्रोमिनेंट बच्चे को मगा बिठाना है नक्षत्र में गद्दी मिल रहा पे, है। हाँ गद्दी पे बिठाने के लिए, कि आप बोलते हो ना वंश आगे एक आगे वंश बढ़ाने के बनाना है, लिए वंश करना। आगे बढ़ाने के लिए हाँ वो वो वाली है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अच्छा ठीक है, समझ गया, क्लियर। ठीक है? तो यहाँ पे जो प्रोजेनी की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो किड्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, देखो लियो के जो तीनों नक्षत्र है ना, वो तीनों नक्षत्र के अंदर क्रिएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्रिएशन ऑफ व्हाट? लीनेज, आगे आपके काम को आगे कौन लेकर के जाएगा। जो पूर्वा फाल्गुनी है वो रोमांस का है, उत्तरा फाल्गुनी वो रोमांस को जब हम कन्वर्ट करते हैं मैरिज में, रिलेशनशिप में, वो उसका है फ्रेंडशिप वाला है, व्हेन दैट अफेक्शन टर्न इनटू अ रिलेशनशिप, राइट? एंड अफेक्शन से पहले आपके माइंड में, लाइक व्हेन यू गो फॉर मैरिज, आपके माइंड में एक ऑलरेडी सेट बिलीफ होता है कि आप शादी क्यों करना चाह रहे हो, इट इज नॉट फॉर अफेक्शन ऑफ अ रिलेशनशिप, इट इज सो दैट यू कैन कैरी फॉरवर्ड योर लीनेज, दैट इज द मेन पर्पस। वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स इन मगा नक्षत्र, एंड जो भी प्लैनेट आ रहा है मगा के अंदर, वहां पे आपको उस प्लैनेट के बेनिफिट को रीप करने के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उस पर्टिकुलर हाउस में आपको सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। जैसे राजगद्दी पे बैठने के लिए एक राजा को अपने इंडिविजुअलिटी, अपने इंडिविजुअल बेनिफिट्स को छोड़ करके सब लोगों के बारे में सोचना पड़ता है,
क्योंकि कोई भी जो पावर है वो सेक्रीफाइस मांगते हैं, वो क्या सेक्रीफाइस मांगेगी, दैट डिपेंड्स कि डिस्पोजिटर कहाँ जा रहा है, ठीक है। ओके okay. तो ये हम अभी चार लाइव चार चार्ट्स, सेक्रीफाइस हैं, हाँ प्रदीप जी का धर्म पिटारा बोल रहा अर्थ है। काम मोक्ष, हाँ ठीक, सिंहासन के चार पाए होते हैं, तो ये चारों में से एक चीज सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी उसको, तभी वो उस पे राजा बैठेगा। मतलब चारों को, चारों चीजों को उसको कंसीडर करके आगे चलना पड़ेगा। अब जैसे वीनस अगर किसी का फॉर एग्जांपल सेकंड लॉर्ड होकर के मगह में जा रहा है, तो वीनस रिलेशनशिप को बचाने के लिए उस पर्सन को फैमिली को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हाँ, कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और ये वीनस वाले ना अपने हस्बैंड की फोटोज बहुत डालते हैं, वीनस मगा वो वाले। अच्छा ओके, नहीं पूर्व फाल्गुनी में है इमेज वाला जो है ना, दैट इज नॉट इन इसमें मघा, भी है, यहाँ पे इसमें मैंने इमेज लिखा है। देखो था। यहाँ पे चक्कर हाँ के मघा के अंदर जो इमेज आ रही है वो है कि आपकी पावर कहाँ पे है, वो वाली इमेज जा रही है कि हाउ पीपल विल परसीव योर पावर, कि किस एरिया के अंदर पावर आ रहा है। बट इमेज की जो हम बात कर रहे हैं ना कि हाउ पीपल विल परसीव यू एज एन इंडिविजुअल, वो हम पूर्वा फाल्गुनी से देखेंगे, नॉट फ्रॉम मघा नक्षत्र। और इनके पास अपने पूर्वजों की ना पूरी जानकारी मिल जाएगी, लीनेज की पूरी चीज मिल जाएगी इनके पास, मगा, हाँ आई मीन जो मगा वाले, प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट मगा वाले हैं वो अपनी लीनेज, वाले। हाँ अपने जो एंसेस्टर्स की जो पेंडिंग कर्मास हैं उनको कंप्लीट करने के लिए आते हैं। इनका नाक और होंठ काफी प्रोमिनेंट मिल रहे हैं। पूर्वा फाल्गुनी में हम करेंगे परिधि, पहले हम मगहा तो प्रैक्टिस कर लें। अच्छा मैंने पूर्वा तो नहीं, फाल्गुनी इसमें मिक्स मैं, है। हाँ मिक्स कर देते हैं, पूर्वा फाल्गुनी का भी बता देती हूँ। अब जैसे ये तो पूरा हो गया पावर अथॉरिटी वाला नक्षत्र, मघा नक्षत्र है। पूर्वा फाल्गुनी है ना वो रिलैक्स वाला है, अभी राजा ने राज कर लिया है, अब उसको चाहिए बिस्तर, बहुत मस्ती, मौज मस्ती, लेजी। लेजी बोलते हैं ना राजा ही अय्याश होता है, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट जो रिलैक्सेशन वाला जो स्टेज है वो आपका पूर्वा फाल्गुनी में है, दैट यू हैव कंप्लीटेड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाउ यू आर गोइंग फॉर अ रिलैक्सेशन वाला पार्ट। पूर्वा फाल्गुनी का जो सिंबल है ना वो चार पाए हैं बिस्तर के, कंफर्टिंग बेड को सिंबलाइज कर रहा है। इसमें ना दो किए हुए हैं, पूर्व में आगे वाले किए हुए हैं और उत्तर में पीछे वाले किए हुए हैं, ये दोनों कंबाइंड ही हाँ लगे। तो पूर्वा फाल्गुनी में लेग्स की जो बात की जा रही है ना, जब हम रिलैक्सेशन स्टेज में जाते हैं सबसे पहले उन्हें पांव सीधे करते हैं, ठीक है। उत्तरा का अभी मैंने नहीं लिखा है, हम लोग सिर्फ पूर्वा फाल्गुनी और मघा ही क्लियर करेंगे आज आज के लेक्चर के अंदर। तो पूर्वा फाल्गुनी के अंदर बहुत रिलैक्सेशन, लस्टफुल, रोमांटिक वाली फीलिंग्स होती हैं। अब इसके जो डीटीएन है वो भाग है, भागा को कहा गया है, शुक्र इज द प्लानिटरी रूलर। तो भागा की एक स्टोरी है कि जब शिव और सती वाली स्टोरी है, तो जब रुद्र गए ना, जब आप इसने दक्ष ने, प्रजापति दक्ष ने जब यज्ञ करवाया और शिव शिव शिवा को नहीं इनवाइट किया, तो सती ने खुद को अर्पण कर दिया था उसमें हवन कुंड के अंदर। तो रुद्र रूप जब आया तो उन्होंने देखा कि जो भी लोगों की डिजायर थी, क्योंकि यज्ञ में क्या हो रहा है, जब हम यज्ञ में आहुतियां देते हैं इट इज गोइंग टू गॉड्स, तो जिसकी भी डिजायर थी उन सब को उन्होंने पनिश किया। तो भागा की क्या नजर खराब थी, भागा की आंख फोड़ दी। अब यहाँ पे पूर्व फाल्गुनी के अंदर ना आप जो डिसीजन लेते हो वो बहुत ब्लाइंडफुल डिसीजन लेते हो, या आप चीजों को देख नहीं पाते हो। रिलेशन अगर वीनस आ रहा है तो रिलेशनशिप को लेकर के ना चीजें आपको दिखेंगी नहीं, पैसे को लेकर के चीजें दिखेंगी नहीं, तो वहां पे आप बेसिकली यू विल फॉलो योर इंस्टिंक्ट, यू आर नॉट गोइंग टू फॉलो व्हाट इज देयर, लॉजिकल चीजें खत्म हो जाती है वहां पे। अब क्योंकि ये लियो के अंदर फॉल करता है पूर्वा फाल्गुनी, अब आप देखो ना अफेक्शन जो हम बोलते हैं लव इज ब्लाइंड, वहां पे यू आर नॉट टेकिंग एनी डिसीजन व्हिच इज रिलेटिवली डिपेंड ऑन फैक्ट्स। सो जहां पे पूर्वा फाल्गुनी का और
इसका जो सिंबल है, जो एनिमल है, विच इज फीमेल रेड। तो यहाँ पे पूर्व फाल्गिनी के अंदर ना प्रोजिनी किड्स बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है, इनकी डिजायर बहुत होती है एंड दे टेक रोमांस एज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ। दिस इज फॉर पूर्वा फाल्गिनी। पूर्वा फाल्गिनी के अंदर अपार्ट फ्रॉम एक सेकंड मैम, लेग्स क्यों बोला? लेग्स, लेग्स का क्यों? मेरे को नहीं सुना। इसका सिंबल है लेग्स, मैम एक्चुअली। अच्छा रिलैक्सेशन की बात की, बेड के जो लेग्स है ना, फर्स्ट टू लेग्स, ओके, अच्छा वो बोला है। हाँ ओके आराम के ओके लिए आप पैर ओके फैलाते ओके, हो ना। अच्छा करेक्ट। ठीक है एंड ओके। एंड पूर्वा फाल्गिनी इज रिलेटेड टू द अफेक्शन, रोमांस, अफेक्शन, द इनिशियल बॉन्ड और अटैचमेंट। ठीक है, सो जहां पे भी जो भी पर्टिकुलर प्लैनेट फॉल कर रहा है पूर्वा फाल्गिनी के अंदर, वहां पे आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा उस सिग्निफिकेशन के लिए, एंड यू विल फील वेरी कंफर्ट। यू नीड कंफर्ट व्हाइल परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटी इन दैट एरिया। विदाउट कंफर्ट आप कुछ भी काम नहीं करोगे वहां पे, मतलब वो कंफर्ट होना चाहिए। एंड दिस इज रिलेटेड टू योर एंटरटेनमेंट। यहाँ पे आप हार्ड वर्क नहीं कर सकते, यू डोंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दैट एरिया। अब मून, अगर इनका मून है, जैसे परिधि ने कहा कि मून और जुपिटर पूर्वा फाल्गुनी में, तो खाना इनको कंफर्ट देता होगा। इनको खाना एकदम दौड़ते भागते खाना नहीं पसंद होगा। दिस पर्सन वुड बी नीडिंग कंप्लीट रेस्ट, बेड पे बैठ के खाना खाएंगे मोस्टली। पूर्वा फाल्गुनी वाले मैक्सिमम काम जो है बेड पे बैठ के करना चाहते हैं, बिकॉज दे फील वेरी कंफर्ट एंड रिलैक्सेशन ऑन बेड। सो लेडी दिस होते हैं इज, मैम वो। बहुत लेजी होते हैं वो पर्टिकुलर, जो भी जिस भी हाउस में फॉल करेगा ना, वहां पे आप लेजी हो जाओगे काम करने के लिए। मैम वो लग्न वाले ही लेजी होंगे, लग्न मतलब वाले सीधा लेजी नहीं होंगे, होंगे, नहीं क्योंकि हमेशा हमारा लेट है के इसीलिए हम काम कह रहे हैं। करना सच नहीं है पसंद मैम, करते। तो क्या हम आप लोग तो लेजी हो, मतलब अपनी टांग फैला के बैठते हो आप जब भी बैठते हो? खाना खाने वाला तो एक मैम है मैं मैम, कह सकता आराम हूँ, के लिए तो हम लोग कुछ लेजी भी है। करते हाँ हैं। हाँ एक्चुअली मैं ऑफिस रेस्ट में भी बैठता चाहिए। हूँ मैम ना, शूज उतार के बैठता हूँ क्योंकि मुझे रिलैक्स चाहिए। हाँ तो ये तो प्रोमिनेंट पूर्वा आदमी फाल्गुनी तो हो गया। आपका क्या है, तो इनका अच्छा, कौन सा है आप मैम? उसमें हमेशा अगर चौकड़ी राहु हो मार तो के बैठोगे, मतलब ऐसे स्ट्रेट, जैसे कभी भी बैठे हो फॉर फॉर्मेलिटी के लिए, जैसे प्रॉपर पोजिशन में बैठते हैं ना। पूर्व हाँ, फाल्गिनी मैं वाले प्रेयर पे क्या बैठना होता होता है है ना मैम, कि तो हम लोग मतलब फटाफट स्ट्रेट ऐसे जूता वूता उतार के अपना चौकड़ी मार के बैठेगा, अभी मैं रिलैक्स होके इवन बैठे। इट्स मोर लाइक ये मैंने दैट। आज मैम नोटिस किया। मैं दूसरे एक घर पे गया था अभी, हम लोग से क्या मिलने गए थे, मैं बैठा भी हूँ तो सोफे पे भी, तो मैं क्या करूँ, पैर के ऊपर पैर चढ़ा के बैठा हूँ भाई, एक पैर हाँ अंदर लेकर दूसरा आराम से उस मतलब पे अगर आप करके। कार में भी ट्रैवल करोगे ना, जैसे सीधा बैठते, तो आपकी कोशिश होगी कि टांगे ऊपर उठा के बैठू या टांगे चौकड़ी मार के बैठू, मतलब मतलब आराम बड़ा से ये कंफर्टेबल जोन में बैठना है। पसंद करूंगी। इवन हमारे बॉस लेजी है पूछते थे कि सोना तुम लोग शूज क्यों ओपन करके बैठते हो, तो मैं कहा कि सर ये। रिलैक्स रहता है ऐसे। इनका कौन सा प्लैनेट है? उसमें हम राहु हो तो नहीं, कौन सा राहु है, प्लैनेट है इनका? किसका, पूर्वा लग्न में फाल्गुनी का लॉर्ड? नहीं, उनका जिनका जो पूर्व ये, फाल्गुनी में कौन सा लॉर्ड है वो पूछ रही हैं? नहीं पूर्व फाल्गुनी में असेंडेंट हो कौन सा? सकता है आपका, प्लैनेट मून हो असेंडेंट, सकता मून है, असेंडेंट असेंडेंट हो हो गया। गया, मून मैं हो ये सकता है। नहीं अब है जैसे पूछ सी, रही। सपोज किसी का सन है पूर्वा फाल्गुनी में, अब उस पर्सन के फादर हो जाएंगे वैसे। राहु हो तो मैम राहु के लिए आपको दादाजी, लॉर्डशिप देखनी पड़ेगी। दादाजी और लॉर्डशिप, राहु का डिस्पोजिटर कौन है, कहाँ का लॉर्ड है राहु? एक्वेरियस जैसे कहाँ फॉल राहु है कर रहा तो है? इफेक्ट उसके लिए तो भी तो बढ़ जाएगा ना। हाँ मैं वही बोल रही हूँ ना, तो उसके लिए डिस्पोजिटर देखो ना, राहु कहाँ, राहु की लॉर्डशिप राहु कहाँ अब है, एक्वेरियस कहाँ ट्रैवल फॉल कर रहा है? ट्रैवल के टाइम में भी सेवेंथ देख हाउस, सकते हो। 7th हाउस में तो फिर सेवेंथ हाउस पार्टनर हो गया, लियो लग्न है ना, मतलब पार्टनर भी वैसे निकलेगा, काम वाम नहीं करने वाला। बिल्कुल लेजी आएगा, उसको नहीं पसंद होगा। अब वो किस लेजी, मैं किस, ऐसा तो नहीं है कि थ्रू आउट द लाइफ लेजी होगा, ये होता है जिसका मून आ जाता है, उसका मन ही हो गया ना। अब वो लेजी कहाँ पे आ रहा है, किस पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है, वो हाउस पकड़ लो, उस हाउस से रिलेटेड एक्टिविटी के अंदर लेजी हो रहा है।
मैम मैं ये पूछ रही हूँ, जो जिसने अभी क्लास में बताया कि मैं जूते उतार के बैठता हूँ, तो उनका कौन सा प्लैनेट है? मैं ये पूछ रही हूँ। हमारा हमारा देखिए, लग्न अच्छा है, हाँ लग्न आपका है लग्न लियो है, का, और उसमें ओके राहु बैठा है 18 डिग्री पे। हाँ ओके, तो आप अपना जूता उतार के बैठते हो। पाओ को ज्यादा ओके हाँ, रिलैक्सेशन चाहिए इनके। हाँ बाहू मतलब घर पे भी अगर काम करना है तो लैपटॉप लेके बेड पे लेट गए, बैठ के जल्दी काम नहीं होता है, बेड पे खाना खाना होगा ज्यादातर बेड पे ही। आप प्रदीप जी अच्छा म्यूट थे, आप बताइए क्या कह रहे हैं आप। हाँ, खाना मतलब नैपिंग लेते होंगे दोपहर को, आराम करते होंगे खाने के बाद प्रॉपर। नहीं नहीं ऐसा वो तो नहीं, मिल नहीं नहीं पाता, नसीब में नहीं है, एक ही टाइम रात को ही पाता सोने को मिलता है, है। अब ये देखो ना, जब भी वीनस दोपहर में एक्टिवेट सोने की होगा, आदत नहीं है। जब भी वीनस एक्टिवेट होगा उस टाइम पे हो जाएगा वैसा, क्योंकि वीनस इज द लॉर्ड, नक्षत्र भी तो एक्टिवेट हो रहा है उस अच्छा टाइम पे। एक्चुअली मैम बचपन यस में हमने सुना था ना कि दोपहर में सोने से लक्ष्मी जी नाराज होती हैं, तो हमें बचपन से आदत ही नहीं ओके दोपहर में सोने की। हमारे अच्छा ये है ना, देखो पूरा घर जो, में लेकिन है एक ये और बोलते हैं। क्वालिटी है, वो क्वालिटी क्या है कि आपको लोग परसीव करते हैं उस एरिया की वजह से, आपकी इमेज जाती है मार्केट में, जहां भी पूर्वा फाल्गिनी फॉल करता है या जो भी प्लैनेट आपका पूर्वा फाल्गिनी में जाकर के बैठ रहा है। अब जैसे राहु है, किसका, राहु हमारा ही पूर्वा है मैम। फाल्गिनी में है ना, तो लोग परसीव हाँ तो करते दो हैं कि तो नंबर के बड़ी काम के लिए पर बहुत एम्बिशियस है, 2 नंबर का काम कर रहे हैं, मतलब ये चीटिंग, मतलब जितनी भी आप सिग्निफिकेशन राहु की उठा सकते हो ना, और मतलब राहु इस तरीके फर्स्ट की बात हाउस बना में रहे हैं वो लोग। अच्छा काम करता है। अच्छा आपका राहु लगन में है ना, पूर्व फाल्गुनी में, तो आप हाँ। शैबी रहना ज्यादा पसंद करोगे, मनमौजी, आप बिल्कुल भी ऐसे जैसे बाल बिल्कुल चिपका के प्रॉपर तैयार होना नहीं पसंद करोगे शक्ल भी दिखा दो ऐसे। एक कंघी बार। नहीं यूज करते हम मैम, लोग बाल के लिए कभी कंघी यूज ही नहीं करते, तो ये हाँ राहु का तो इफेक्ट आ गया ना, ये राहु का इफेक्ट है हाथों ना। से बाल बना लेते हो क्या? अब मेरा देखो, आप मेरा वीडियो देखोगे ना, मैं आई हैव जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जस्ट पूर्वा मीज रिक्वेस्ट, अच्छा मैं आई एम पूर्व फाल्गुनी असेंडेंट, सी माय हेयर, सो इट्स ऑलवेज कर्ली शैबी, आई नेवर टक माय कंघी हेयर इवन। वीनस वाला। हाँ इवन मैम हम बिगनर हेलमेट बाल भी ज्यादा पहनना नहीं कंघी नहीं पसंद करते। करते हैं, आई आई गिव यू वन एग्जांपल, हेलमेट मेरी पहनना नहीं दादी, पसंद करते मेरा हैं। 12th हाउस में फॉल करा है पूर्वा फाल्गिनी, ठीक है, मेरी दादी की 13 बच्चे थे, एंड दूसरी चीज, वो हाथ में ना पान की वो रखती थी अपने साथ में, हाँ पान पान का खाती रहती, डिब्बा राजा रहता शाही है। एकदम, हाँ वो नहीं होता, वो बिल्कुल, उन्हें पोज ऐसे करना है एकदम वैसे जैसे कि हाँ सेलिब्रिटी से बस, कम नहीं, बस दैट्स इट। ठीक है। और जैसे किड्डी पार्टीज होती है तो पहले चौपाल लगती थी, आदमी बैठते थे, मेरी दादी बैठती थी चौपाल टाइप्स में। 12th हाउस में फॉल कर रहा है पूर्वा फाल्गिनी, मतलब एंड वीनस प्रॉपर जिसका एंड जुपिटर राजा इन बेटा पूर्वा बोलते हैं ना फाल्गिनी। जिसको, वो वाले और ट्रेट मैम एक चाहिए चीज और राजा नोटिस की है बेटा। मैंने, अपनी अपनी ट्रेड क्या है, जब मैं क्या खाना है खाने जब बैठता मैं हूँ ना खाना खाने तो बैठता हूँ, एक हाथ मेरा एक ऐसे हाथ मेरा जांघे के ऐसे ऊपर होगा और मैं एक हाथ से खा रहा हूँ, राजाओं की तरह, एकदम जैसे मतलब बैठना राजा भी की था तो पोज, भी, राजा भी होता, कभी बैठना भी होता है मतलब तो भी, सीधा नहीं, कभी मतलब मतलब सीधा नहीं ऑटोमेटिकली बैठ रहे, चेयर हाँ पे पूरा फैल जाएंगे, चेयर चेयर पूरा फैल पे जाते हैं पूरा कहीं फैल जाते हैं, बैठेंगे कहीं भी बैठेंगे तो ये सोफा पे बैठेंगे ईगो तो भी कर रहा पूरी है तरीके से फैल वॉइस, के आप बैठना ये है। जो दोनों ट्वीन्स एक साथ बैठे हो तो म्यूट करो अपने आप को। एक जना म्यूट कर लो, ठीक है, एंड हाँ तो अब जैसे सोफा पे इस बैठना होगा तो ओके सो वो भी हम माथा लोग का ना मतलब कहीं पे इनहेरिटेंस भी का बैठना है। प्रॉब्लम होता है, हाँ माघा को इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम होता है, पूर्वा फाल्गुनी को इनहेरिटेंस मिलता है। तक तो नहीं मिला है माघा मुझे, को फटा हर चीज में सैक्रिफाइस होता है, चेयर भी पड़ा उनको इजीली नहीं मिलती, मतलब दे हैव टू, मतलब इनिशियली बेसिकली। बेसिकली मतलब मघा इज मतलब जब राजा बनता है तो उसको सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, और जब पूर्व फाल्गुनी के मतलब राजा का वो सैक्रिफाइसेस सब क्लियर हो जाता है उसके बाद वो एंजॉय कर रहा है इस टाइप का। इंजॉयमेंट है ना। माघा हाँ उसका बेस है लर्निंग स्टार्टिंग, और पूर्व फाल्गुनी उसका मिडिल स्टेज आ गया। स्ट्रगल के बाद में करेक्ट, स्ट्रगल नैन पूर्वा फाल्गुनी के अंदर इट्स अ डिवाइन लव एंड रोमांस,
इनके पास एक टीचर भी होता है इनको गाइड करने वाला, ये भी है कुछ पूर्वा अर्जुन भी भालसिनी में पूरा आपने खा बोला इनको, इनके किसमें? पास ना गाइड गाइड करने वाला एक बंदा होगा जैसे भागा के अंदर और पूर्वा फाल्गिनी के अंदर? आई डोंट नो अबाउट दिस, प्लीज शेयर अगर आपके पास में है तो। हाँ। तो अब उनका भी है, इनका भी, इनसे पूछो है तो। नहीं मैम, शुरू से तो कभी किसी ने गाइड नहीं किया, मतलब भाई और हम ही दो हैं। इवन स्टडी भी हुआ बेड तो अब बिखरा तो हुआ होता ऑनलाइन। है, हाँ बेड बेड हाँ बिखरा बेड हुआ बिखरा होता है, रहता है, हाँ बेड बहुत उसके लिए बिखरा डांट रहता है, खाते हैं कभी सर, हाँ। मतलब कभी इनका हुआ तो। राहु प्रोमिनेंट है ना पूर्व फाल्गुनी में, तो इनका बेड बिखरा होगा, तो मतलब इनका असेंडेंट नहीं है पूर्व फाल्गुनी वही में, यू नो, सो बेनिफिक देयर इज अ प्लैनेट आ डिफरेंस। जाएगा, तो बेड असेंडेंट सुंदर सुंदर होगा, होगा, कंफर्टिंग बेड होगा। असेंडेंट भी तो है। नहीं आपकी असेंडेंट डिग्री भी देखो, एक असेंडेंट आपके नहीं लिए और नहीं डिग्री राशि नहीं, हो गए। डिग्री डिग्री नहीं है, असेंडेंट डिग्री देखो ना, आपकी ट्वेंटी सेवन असेंडेंट डिग्री, हाँ असेंडेंट डिग्री ट्वेंटी आपकी उत्तर सेवन फाल्गुनी की हो गई, आपका राहु पूर्व फाल्गुनी का। 27 इज उत्तर फाल्गुनी, हाँ, भाई का लेकिन है तो हाँ भाई का अगर होगा ना तो उसका बेड बिखरा नहीं होगा, अगर उसका राहु नहीं, अगर उनका मैं राहु सजाता हूँ। आप सजाओगे ना, जिसका पूर्व फाल्गुनी होगा वो सजाएगा, बिखेरेगा नहीं। तो अगर राहु है आपका पूर्व फाल्गुनी में तो आप बिखेरोगे, क्योंकि आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो ना आदत ऑर्गेनाइज है कि करने में, कपड़े इधर उधर छोड़ देता है, और मेरी आदत है कि मैं कपड़े ले जाके टांग देता हूँ। क्योंकि आपका असेंडेंट आ गया पूर्व फाल्गुनी में। आपको चीजों को डांट डांट क्रिएटिव सजावट बहुत पसंद है, हर चीज 10 बार हाथ हाँ मार के ठीक करोगे बेड, ये चादर बिल्कुल एक भी सलवट तो नहीं। चादरें प्रिंटेड प्रिंटेड या फ्लावर वाले पसंद आती फ्लोवर, हैं, हाँ फ्लोरल प्रिंट वाला, फ्लावर करेक्ट। फ्लोरल प्रिंट। ट्रू। हाँ मतलब फ्लोरल नहीं, बट मुझे क्योंकि ग्राफिक डिजाइनर हो तो मुझे टाइप फेस और जो थोड़े से क्रिएटिव टाइप के हो तो वो बहुत पसंद आते हैं, ये तब ज्यादा तो इम्पोर्टेंट पैटर्न। वो करेगा जब ये 12th हाउस में आ जाता है, या फिर हाँ क्योंकि बेड बेड शो होता है, वीनस, बेड हाँ वीनस आ मून। जाए अगर पूर्वा फाल्गिनी के अंदर, उस टाइम पे प्रोमिनेंट हो जाएगा ये, एंड मून आ जाए। आपका पर्टिकुलर जिनका असेंडेंट है पूर्व फाल्गुनी में, वो पर्टिकुलर है अपनी ड्रेसिंग सेंस को लेकर, कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, कोई एक पर्टिकुलर मेरे स्टाइल होगा आपका जिनका असेंडेंट डिग्री चार्ट एक बार खुलवाइए ना, है। हाँ मैं भी वही बोल रही डिस्कस थी, कर अभी थोड़ा लेते हैं। प्रैक्टिस कर इनका लेते कुछ हैं, भी है ठीक है, पूर्व दोनों फाल्गुनी, मेरा टेक्निक्स को भी एक। आएगा शायद, हाँ जी मेरा भी आएगा। ठीक है, आपका प्रदीप सर असेंडेंट में है? असेंडेंट नहीं एक चेक बार, करना अच्छा पड़ेगा ओके, मुझे, आई होप मैं इट इज विजिबल। तो मुझे डिटेल्स कौन देने हाँ वाला है? जी मैडम, 13 माघा अगस्त के लिए नाइनटीन या सिक्सटी पूर्व एट का फाल्गुनी, दोनों दोनों अप्लाई करेंगे एक साथ, जो भी फॉल मेरा करेगा खोल के ऑब्वियसली, देखो। या तो मगा 3 जुलाई अप्लाई करेगा या फिर पूर्वा फाल्गिनी करेगा। एक सेकेंड, तीन जुलाई 95 95 1650 और जन्मस्थान रांची। 16:50 धनसान रांची रांची। ओके कस फॉल कर रही है क्या? कौन जी, बताएगा? हाँ कर रहा है, 23 डिग्री है, कर रहा है कर रहा है, किस किसमें पूर्व फॉल कर फाल्गुनी रहा है? है, पूर्व टेंथ फाल्गुनी का कर रहा है मैम, फाल्गुनी का कर रहा है, 10th में। 10th में कर रहा है, ठीक है। कौन सा प्लैनेट प्लैनेट आ रहा है पूर्व फाल्गुनी में? मून मार्स, मार्स, मून एंड मार्स दोनों। मून एंड मार्स दोनों आ रहे हैं। पहला तो 10th हाउस, अब ये चार्ट किसका था? मेरा रमन, जी रमन क्या काम करते हो तुम? मैम, मैनेजर पोजीशन में काम कर रहा है अभी तक, तो अभी जॉब नहीं है अभी क्या फिलहाल तो। आप काम करते टाइम टांगे फैलाते हो अपनी? रिलैक्सेशन वाले मोड में काम करना रिलैक्स पसंद है? मोड में, कंफर्ट मोड में हाँ काम करता हूँ, हाँ कंफर्ट मोड में करता एंड थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा कंफर्ट मोड में।
हाँ बहुत ज्यादा वो तो मतलब इनका बस नहीं चलता होगा, ये लेट जाते होंगे ऑफिस में जा करके। मून खाना भी खाते रहेंगे साथ साथ कुछ ना कुछ, मून भी है ना। भी है एंड मार्स भी है। अब हाँ अच्छा, इनको ना हॉट स्पाइसी चीजें पसंद आती है, इसमें किसमें? नहीं, अब यहाँ पे देखो पूरा खाली नहीं, एक और इमेज है, ये जो पिक्चर्स डालेंगे ना अपने ऑफिस की, फोटोज बहुत डालेंगे। नहीं मार्स है, मार्स शो नहीं करेगा कभी भी, कभी भी नहीं, हाँ कभी मार्स, पोस्ट हाँ करेक्ट, करेगा मार्स मार्स आई कभी गेस शो नहीं करेगा। दिस इज फॉर पूर्वा फाल्गुनी बेसिक, एंड मघा के अंदर ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। हाँ मार्स कभी शो नहीं करेगा ऑफिस का कि मैं क्या चीज है, मैंने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है, कुछ शो नहीं करेगा अपनी वर्किंग की। बट अच्छा स्टिल बट इसके ये जो मार्स मोस्टली क्योंकि मार्स आदमी पैशनेट कमांड कर बहुत रहा है ना। होंगे थॉट्स में, अच्छा मैम, जैसे मून मार्स आ गया ना, पैशनेट बहुत होंगे थॉट्स में, जैसे क्योंकि वीनस इसकी वो है लॉर्डशिप, बट नहीं, एक 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 करके, वर्किंग सी सी डू नॉट वर्किंग नहीं ब्लेंड, आएगा। डू नॉट ब्लेंड बोथ द प्लैनेट्स एज इफ नाउ, ओके, जस्ट पहले गो मैम वन बाय ब्लैंक कर वन। लें, पहले पहले हम जो करेंगे, हम सिर्फ पहले हाउस देख लो। अच्छा 10th house करेंगे। मैम मेरे पास एक है, नहीं, 10th house में इन्होंने ओजस्वनी, मतलब इनके थॉट प्रोसेस में बहुत कुछ बनता है, बट वर्किंग में ये इतने मतलब एफिशिएंट नहीं होंगे। आई मीन टू से कि मतलब दिमाग में बहुत ज्यादा फैंटेसाइज या प्लानिंग्स बहुत रहती हैं, बट वर्किंग में वो इतने एफिशिएंट नहीं होंगे। आप इनसे कंफर्म करें। नहीं मैम, ऐसा तो नहीं है। अच्छा अच्छा भैया वर्किंग एक बात बताइए कि वर्किंग आपको डायरेक्ट में देखो मैनेजर की पहले जॉब लगी मैनेजर थी या कि की। पहले आपने छोटे से शुरू किया था? हाँ, ये छोटे जी से काम नहीं शुरू किया होगा, डायरेक्ट नहीं पोजीशन बहुत मिली ही, थी कि कोई छोटा काम किया था पहले से, मतलब 2-3 महीने कोई छोटा छोटी काम करा था, पोस्ट? उसके बाद सीधे मैनेजर पोजीशन में ही आज देखो तक कर अब पाया मैं। ये हाँ दिस तो इज द सेम रिजल्ट चीज ऑफ हो गया ना, पूर्वा पोस्ट फाल्गुनी। मिला ना आपको, पोजीशन मिली, पोजीशन मिली, शेयर मिली। तुरंत मिला, मेहनत नहीं करना पड़ा, कंफर्ट में रह करके अच्छी पोजीशन मिली, पोजीशन अथॉरिटी क्या मिला इनको, शेयर कंफर्ट मिली में थी रह करके बड़ी सी। पावर मिली, 10,000 फॉर योर पावर एंड अथॉरिटी। फादर को क्या मिला होगा, फादर की फैमिली में किस टाइप का माहौल होगा, रॉयल पूर्व फाल्गुनी से बताना है। रॉयल तो ऑब्वियसली लियो है तो होगा, हाँ, धार्मिक मॉल हो या कंफर्टेबल हो गए होंगे, लग्जरी में वो भी होंगे, आरामदायक, आरामदायक, कंफर्टिंग हाँ, पोजीशन, एक चिल अच्छी टाइप। लाइफस्टाइल, पैसा कमाने के लिए चिल टाइप पिताजी को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, पर हाँ बहुत ज्यादा भी संघर्ष नहीं करना पड़ा ये संघर्ष, चीज। उनको संघर्ष नहीं करना पड़ा एक होगा। सेकंड एक सेकंड, पिताजी क्या करते थे? पिताजी मेरे हेड अकाउंटेंट थे, अब तो रिटायर्ड है। ओके, शारीरिक मेहनत नहीं की होगी उन्होंने ज्यादा, नहीं उनको करी बहुत ना, क्योंकि हेड जल्दी अकाउंटेंट जल्दी का तो एफर्ट्स काम मिल गया हेलो होगा उनको। हेलो वो उस है, टाइप का नहीं। मैं बोलूँ क्या? अधीरज हाँ बोल रहा हूँ। हाँ धीराज, हाँ तो मार्स इन दी उत्तरा फाल्गुनी विल शो ऑफ, अभी इसका एक फ्रेंड सर्कल शो ऑफ करेगा, मार्स और इज इन ये पूर्वा पूर्व फाल्गुनी फ्रेंड सर्कल फाल्गुनी, शो पूर्व करेगा, ठीक है, फाल्गुनी भाई, ऑल ऑन ये भी शो करेगा इनका फादर का अथॉरिटी नेस, नहीं तो इसके बॉस का, बॉस कैसा है, मेरा बॉस ऐसा है, ये सब ऐसा शो करेगा, फ्लेक्स करेगा ठीक है, ये। फादर और फ्रेंड का है फ्लेक्स, हाँ ये तो है, ठीक है। वो भाई की भी लिए होगा, मार्स है ना, तो जो इनका ब्रदर का भी दोस्त कह होगा, सकते हैं, भाईचारा होगा, सब एकदम हट्टे कट्टे, भाईचारा। वो हाँ भाईचारा टाइप्स, हाँ इसको सब पावर कहाँ पॉलिटिकल से आ रही पावर, है। हाँ खतरनाक, खतरनाक वो भाईचारा होगा, पॉलिटिकल लेकिन हमने शो ऑफ, अच्छा शो ऑफ है, ओके। शो और एक चीज ऑफ, है, कौन और सा एक चीज है, शो ऑफ है, मगा वाले यहाँ शो ऑफ पे करते हैं। पीपल, यहाँ पे लोग आपको परसीव ही कर रहे हैं, उन्होंने आपकी एक इमेज बना रखी है, मार्केट में जो इमेज जा रही है वो आपकी पूर्व फाल्गुनी में आ रही है, और एक जो भी चीज है, प्लेनेट आपका पूर्व फाल्गुनी में आ रहा है उस चीज की वजह से लोग आपको परसीव कर रहे हैं। ये अच्छी जगह पे खाने के लिए जाता होगा तब ये पिक्चर रखता होगा, अच्छे रेस्टोरेंट के लिए, क्योंकि मून भी बैठा है उसके साथ। क्योंकि मून बैठा है, फूड हो गया, हाँ हो, एक तो एकदम है, पिक्चर जो स्नैप क्लिक हो रही है लेना वो खाने के टाइम पे हो रही है, खाने की पिक्चर्स क्लिक हो रही है। जरूरी। हाँ वो खाने की ही हो रही है, और अच्छा किसी के नहीं, खाने की ही होती है। रिलीजियस इंस्टाग्राम प्लेस की पोस्ट भी होती है इनकी कोई पिक्चर्स?
बिकॉज कहीं दिस रिलीजियस इज द प्लेस लॉर्ड पे ऑफ जाते हैं, ट्रैवल ट्रेवल के टाइम पे भी पिक्चर्स क्लिक करता होगा, घर के टाइम पे किसी की भी ट्रैवल रिलीजियस जगह पे। करें अच्छा, अगर पे खाना मिलेगा रिलीजियस प्लेस पे तब वो अपलोड होगा, वरना नहीं, क्योंकि नहीं लग्जरी अपलोड नहीं कंफर्ट करता हूँ मैं कभी भी, इम्पोर्टेंट है। मैं अपना बस खींच के रख लेता हूँ जस्ट, अपलोड मतलब हाँ बहुत क्लिक तो रेयर है करते बट हैं। हाँ क्लिक करके रखता हूँ बस। हाँ मतलब अब इनकी इमेज गैलरी खोलोगे ना तो आपको खाने की बहुत सारी पिक्चर्स मिलेंगी, दोस्तों के साथ बहुत सारी पिक्चर्स मिलेंगे। मार्स की वजह से हाँ वो अपलोड नहीं करते हैं बट खींच के रखते हैं। क्योंकि मार्स में वो हाइड कर लेता है ना। हाँ आर्मी कमांडर है तो मदर मार्स के की वजह लिए से क्या आप आपको इनकी मदर के गन लिए क्या प्रेडिक्शन करोगे 4th हाउस के लिए? महेश, मदर के लिए हम क्या प्रिडिक्शन करेंगे? पूर्गा पूर्वा फैमिली को लेकर मदर? के महेश से पूछा है। मैं सोच रहा हूँ, लेट लेट मी मेक इट बिट इजी फॉर यू। हमने इसे लगन बना लिया, ये मदर हो गया, मदर का चार्ट है। मदर के लिए कहाँ पे आ रहा है पूर्वा फाल्गुनी? 7th हाउस में। सेवन अब बताओ, 7th हाउस में है तो इनके फादर के लिए वो खर्चा ब्लाइंडली करेंगे, सोचेंगे नहीं। ये, मैं महेश से पूछ रही हूँ। सॉरी, मदर होंगी किसी प्रेस्टिजियस हाउस से जहां पर मदर इनके होंगी फादर की भी, प्रेस्टीज, ये क्यों बोला आपने? एक्चुअली में सन का साइन है, मास भी अच्छी पोजीशन पे, मास और मून है, तो फादर की इनकम भी अच्छी, मतलब जो उनके लॉज होंगे, इनके नाना नानी होंगे, उनकी इनकम अच्छी होनी चाहिए, और एक अच्छी खाना, मतलब एक होता है घराना होगा, अच्छा वहां से होना नाना चाहिए। नानी हमने क्यों लिया? मदर, मैंने मदर के फादर के थ्रू देखा कि ये मदर का इनकी, चार्ट है, ठीक है? दिस इज ये मदर है, मदर का सेंडेंट हो गया, ठीक है? मदर की फैमिली ये हो गया, सेकंड हाउस। मदर के मामा का ननिहाल पक्ष ये हो गया, इसका लॉर्ड बैठा हुआ है पूर्व फाल्गुनी में। तो हम कह सकते हैं कि मदर के जो ननिहाल पक्ष के लोग होंगे वो थोड़े रॉयल किस्म के होंगे, जो कि इन्हें शायद ना पता हो, जिनका नहीं, चार्ट है है। कांटेक्ट में रखते हैं वो, हाँ, है कांटेक्ट में अभी, है अच्छे मदर के हैं। ननिहाल पक्ष के लोग तो किसी घराने से बहुत रॉयल फैमिली के होंगे, जी जहां पे कंफर्ट, एक फूड बहुत प्रोमिनेंट वो हो जाएगा, ठीक है? ये हमने पता किया है, हमने ए इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू सी किया है। व्हाट इज ए इक्वल्स टू सी? ए इक्वल्स टू बी में हम क्या प्रेडिक्शन देंगे? ये मदर है, मदर का 7th हाउस, 7th हाउस की प्रेडिक्शन दो मुझे। पूर्व फाल्गुनी अगर किसी के 7th हाउस में आएगा तो हम क्या प्रेडिक्शन देंगे उसके लिए? जनता के लिए आवाज उठाएगा, सेवेंथ हाउस किस किस का होता है महेश? हाउस वीनस का सेवेंथ हाउस पब्लिक का भी होता है। सिग्निफिकेशन, सिग्निफिकेशन उठाओ। देखो ये आपको, पार्टनरशिप, दिस इज यू, दिस पार्टनरशिप इज इन यू, हाउस, दिस इज योर पार्टनरशिप के ऑपोजिट बाद बात पर्सन, करेंगे। हू सो एवर फॉल्स इन, ये आपको, ये आपके ऑपोजिट पर्सन है। यहाँ पे आपके स्पाउस आते हैं, यहाँ पे पब्लिक होती है, यहाँ पे क्लाइंट्स होते हैं, यहाँ पे मैडम पब्लिक पार्टनरशिप तो होती है। फोर्थ में ना आता है, पब्लिक तो नहीं, फोर्थ में ना ये वो आता वाली है। पब्लिक है जिसको आप फेस करते हो, ये मासेस का है, मासेस, वो मासेस है हाँ, ये फोर्थ। भीड़ वाला है, ये पब्लिक का है। स्टेटस के लिए देखते हैं हम इसको। जब यहाँ से इसमें सैटर्न राइज ट्रैवल भी करता है देखते तो हैं, आपका स्टेटस रेज होता है 7th हाउस के अंदर, लोगों में आपकी इमेज जा रही है। ये आप हो, ये आपकी इमेज कहाँ है, लोग क्या परसीव कर रहे हैं। तो 7th हाउस की सिग्निफिकेशन समझ में आ गई।
आप इमेज अगर किसी का क्लैरिटी। सेवेंथ हाउस में ओके फॉल कर रहा है तो यहाँ पे ये पर्सन कहाँ पे कंफर्ट खोजेगा, या इसका कंफर्ट कहाँ पे होगा? सेवेंथ हाउस रिलेशनशिप के अंदर, पब्लिक में रिलेशन पार्टनरशिप पार्टनर्स में। पार्टनरशिप में सेवेंथ स्पाउस के साथ। हाउस आपकी सेलिब्रेशंस भी होती हैं। सेवेंथ हाउस में इसमें इसकी मदद के लिए ये भी बोल सकते हैं कि ये रिलेशनशिप्स में ना ज्यादा एफर्ट नहीं करेंगे, कंफर्ट चलिए थोड़ी देर में कम करता हूँ। रहेगा इनको रिलेशनशिप के हाँ अंदर। हाँ मतलब उसके लिए खुद एफर्ट्स नहीं करेंगी, जैसे शी वांट्स की मतलब उनके लिए किया जाए ज्यादा। इनकी नहीं नहीं तो नहीं मार्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्स उठाएगी। है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है और हाइड भी कर रहा है, तो मदर अपने हाँ रिलेशनशिप के बारे में चीजें हाइड करेंगी, लेकिन शी विल क्लिक पिक्चर्स, उनको उनके राइट रिलेशनशिप की वजह से लोग परसीव करेंगे। इज इट ट्रू रमन, मदर की मैम। रिलेशनशिप की वजह से लोग परसीव करते उन्हें? आई होप यू गॉट इट महेश, कि हमें किस तरीके से इसको, ये हो गया हाउस वाइज जब हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं। अब क्योंकि ये प्लैनेट वाइज है, मून क्या है, फूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंफर्ट को रिप्रेजेंट करता है, और मून को देख करके आप क्या प्रिडिक्शन दोगे यहाँ पे? कि मदर बहुत पर्टिकुलर होगी अपने खाने के लिए, जब भी वो बाहर जाएंगी तो वो मार्स मून रिलेटेड फूड को जब भी प्रेफर वो करेंगी पब्लिक कि में खाने। जाएंगी, बाहर शी जाएंगी। वुड लव टू क्लिक पिक्चर्स इन रॉयल पार्टीज और स्पाइसी फूड। एंड एंटरटेनमेंट। आप क्या कर रहे हैं? राजा एंटरटेनमेंट में है, यहाँ पर रिलैक्सेशन मोड में है। तो मून है ना यहाँ पे सेवेंथ हाउस के अंदर, अब ये किस तरीके से इन्हें एंटरटेनमेंट मिल रहा है? लेजी कहाँ पे हो रही है ये? हो सकता है खाना बनाने के लिए भी लेजी हो जाए। नहीं ऐसा नहीं है, हाँ ऐसा नहीं है। खाना बनाने में तो फेमस है एकदम, लोग फोन फोन नहीं को तो फोन कर मंगल भी है ना कर मून अच्छी। मार्स, इवन खाना तो आप भी अच्छा बनाते होगे, हाँ खाना में भी अच्छा बनाता ठीक है। इनफैक्ट आपका हो हूँ। सकता है हॉबी भी हो। हॉबी मतलब एक होता हाँ है ना कि आपको खाने की वजह से लोग वो करते होंगे कि ही कुक सो वेल, जो पैशन। क्लोज सर्कल में है वो लोग जानते हैं कि खाना अच्छा बनाता है, तो वो लोग हाँ जानते हैं। तो वो क्यों और है? जो क्योंकि क्लोज मून सर्कल में मार्स जो एकदम कॉम्बिनेशन क्लोज जो है वो सर्कल फूड वाले का है, और जो क्लोज परसीव सर्कल क्या में कर वो रहे लोग हैं इमेज आपकी, परसीव जो हो रही है पूर्वा फाल्गुनी में आपकी इमेज बाहर जा रही है, लोग कैसे परसीव कर रहे हैं? अब जैसे मेरा वीनस है, पीपल परसीव मी एज आर्टिस्ट, वो आर्ट को लेके परसीव करते हैं। बहुत सारे लोग मेरे को, मैं साड़ी पहन के जाती हूँ, बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजर है, तांत्रिक है क्या? शक्ल देख के उनको तंत्र वाली फीलिंग आती है। जुपिटर साथ में पूर्व फाल्गुनी के अंदर कहाँ पे है? ट्वेल्थ हाउस में। तो क्या इमेज जा रही है ट्वेल्थ हाउस की? तांत्रिक सब कुछ हो गया है। कि हाँ कि ये थोड़ा स्पिरिचुअल लेडी है और इससे नहीं बात करनी है, कुछ टूना टोटका कर देगी। लिटरली दिस हैपेंड, दैट अ करी लेडी वॉकड इन द ऑफिस, शी टुक द कंसल्टेशन एंड वो सडनली मुझे मिल गया क्योंकि कोई एस्ट्रोलॉजर अवेलेबल नहीं था। उसके साथ एक पर्सन आया था जिसने दूसरे एस्ट्रोलॉजर का नंबर लिया ऑफिस में। अब वो लेडी उस एस्ट्रोलॉजर का नंबर लेके उसको फोन करके बोलती है कि वो जो मैडम थी, क्या वो कुछ वो कर देंगी क्या प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए? उसकी तीसरी शादी थी तो बीच के पति ने प्रॉपर्टी हड़प रखी थी, स्कूल हड़प रखा था, तो कुछ करवाना है वो कर देंगी, जितने पैसे लेंगी मैं दे दूंगी। मैम आपने यस नहीं कहा, फिर नहीं वाली तो भाई आधी भाई प्रॉपर्टी भाई, रह आप गई थी। देखो ना दूसरे घर का लॉर्ड भी तो है ना वीनस। मेरे को तो मौके मिलेंगे ऊपर के पैसा कमाने के, इस टाइप के मैंने जैसे यहां किया मेरा लिए बरकरार, ठीक है। हेलो मैम, हाँ जी जी अधिराज बोल रहा हूँ। हाँ मुझे अधिराज, ऐसा लगता है वीनस इन माघा, ये इनको इतने इनके पार्टनर के साथ फोटो डालना अच्छा लगेगा।
वीनस इन मघा, ठीक है। कोई किसी का चार्ट है क्या? वीनस इन मघा, चलो खोल के देख लेते हैं किसी का चार्ट है क्या। उसको एक्चुअली मेरे को तो उसको पार्टनर की तरफ से ना, तो वो चाहिए, मतलब कि ऑब्सेशन है कि नहीं, दिस पर्सन बिलोंग टू मी, वो उसे रिलेशनशिप दिखाना है। मघा में हम ओके दिखाते हैं, पूर्वा फाल्गुनी में लोग हमें परसीव करते हैं, ओके ओके ये डिफरेंस है आउटर और इनर उसका, ठीक है। ओके, हु इज गिविंग चार्ट? यू इसमें कोई कैन आप टेक मैं देता हूँ माइन अभिषेक मेरा ले लो, इट इज वेरी प्रोमिनेंट मैम, मघा मेरा एंड ले पूर्व लीजिए, फाल्गुनी, यू कैन टेक। मेरा सेम होगा आपके पास। शुक्र था, शुक्र नहीं इस बार मगह का है ना मैम, मेरा अच्छा है मगह के लिए। आपके तो सारे ही अच्छे हैं। माय एक बार बताइए असेंडेंट डिग्री इज इन पूर्व फाल्गुनी ना, एंड आई हैव 3 प्लैनेट्स इन मघा। मघा का लेते हैं पहले हम, क्योंकि पूर्व फाल्गुनी का हमने अभी कर लिया है, एक हम मघा का ले लेते हैं। हाँ मैडम तुम मेरा लीजिए, कष्ट है। 6 अगस्त हाँ तुम्हारा चार्ट सेव है क्या? वन हाँ, वन है, अभिषेक के ये नाम से, बताओ। ठीक है, अभिषेक के नाम वन से पहले सेव है। बता दे। इनके पास वैसे भी, ये बिहार से, इनके पास पावर बहुत है हाँ ओके प्रॉपर्टी भी होगी, और क्या, तो और प्रॉपर्टी में लफड़ा भी फिर होगा। यही है। बिल्कुल हाँ सही है, चार चार ठीक गधे है। वाले तो नहीं है। अभी देखो ना, तुम मूला से इसका स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, वो किसका नक्षत्र मूला, लॉर्ड कौन है? केतु, केतु का ओहो है क्या बात ना, है, सेम भाई सेम, पूरा ठीक है। केतु के केतु हूँ नक्षत्र से मैडम मैं। लॉर्ड स्टार्ट हो रहा है। मून किसके नक्षत्र में है? मून चलो उत्तराषाढ़ा में है, और इनका 9th में आ रहा है ना ये, ठीक बिल्कुल यही दोनों हैं, है। मघा मकरी अब है। 9th, 9th हाउस के अंदर भी केतु का तुम नक्षत्र आ रहा है। अब ये देखो, ये जो है ना, ये केतु प्रोमिनेंट, अब ये जो पर्सन का बर्थ हुआ है, दिस इज क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी को सिंबलाइज कर रहा है ना, ऑटोमेटिकली केतु की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो डिटैच्ड एक स्पेसिफिक वर्क के लिए आया हुआ है, हेडलेस वॉरियर्स। कैसे तो हेडलेस वॉरियर ये, अब जब इनका मूल त्रिकोण, ये सॉरी 159 जब केतु के नक्षत्र पे फॉल कर रहा है, तो लाइफ का जो प्रोमिनेंट पैटर्न है वो जो बहुत डायरेक्शन लेस हो रहा है, सेंसेस पे ओके चल रहा है बस। केतु के इंट्यूशन पास पे पांच मैम, अच्छा इंट्यूशन लगता पे, है तो करेक्ट, लगता है वरना नहीं। पांच इंद्रियां नहीं है ना, केतु का सर नहीं है, तो मतलब वो पांच इंद्रियां नहीं है, तो स्पिरिट बेस है, एनर्जी बेस चल रहा है। अब क्योंकि 9th हाउस में फॉल कर रहा है इनका मघा नक्षत्र, तो नाउ ही दिस पर्सन वुड बी नीडिंग कि इनको मरकरी क्या है, मरकरी रेट्रो है, तो मरकरी डिग्रीज, डॉक्यूमेंटेशन, एजुकेशन, लर्निंग, आपका रिलीजियस बिलीफ, इसकी वजह से इनको ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑर्डर्स लेना नहीं पसंद, पूजा में, रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। कंफर्म सही है, करो, मैं बैठता हूँ तो मैं खुद ही पूजा कर डालता हूँ, पंडित जी बताते रहते हैं, मैं करता चला जाता हूँ और ऑर्डर्स बहुत अच्छे से। नहीं बॉस लेगा के भी ये ऑर्डर नहीं यहाँ लेते पे कि क्या? आप ऐसा करो वैसा करो, नहीं, मैं खुद कर लूंगा, बॉस के भी ऑर्डर ऑर्डर मैं नहीं लेता हूँ। लेते? बॉस तो अभी नहीं है बट हाँ मुझे हाँ उतना ऑर्डर पसंद नहीं है, किसी से भी सुनना मेरे को पसंद नहीं है, मेरा जब तक इंट्यूशन नहीं करता है मैं नहीं करता हूँ। अब फादर का है ये, 9th हाउस फादर का है, बॉसेस का है, बॉसेस कैसे नहीं मिलेंगे इनको, अच्छी अथॉरिटी पोजीशन वाले मिलेंगे? केतु होगा के नक्षत्र में राहु आके बैठा हुआ है, सर और धड़ दोनों है, प्रोमिनेंट हो जाएगा ना ये हाउस, नहीं होगा? क्या रिजल्ट आएगा यहाँ पे मंगा में, हु गोना टेल ना, फिर मी? शुक्र प्रदीप भी प्रोमिनेंट होएगा, जी, शुक्र का भी इफेक्ट आएगा फिर यहाँ। शुक्र का भी इफेक्ट आएगा कह को। क्योंकि अब इस पर्सन, राहु इसके केतु मिल फादर को रहे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम होगा हैं। है क्या?
मिली कि नहीं उनके मिली? जाने के बाद क्लियर हो गया वो, उनको तो रहा लेकिन हम उनको लोग क्लियर कर था लिए थे। हाँ नहीं तो ये उनको उनको था। था, तुम्हारा चंद्रमा होता तो हाँ तुमको भी होता, अच्छा क्योंकि 9th में है ना, ये आप कैसे बोल रहे हो मॉन क्योंकि नाइन्थ। आप अच्छा मघा का डीटी कौन था? Who was the DT of मघा? पितृस पितृस। पितृस पितृ, अब पितृ से आपको क्या मिला है? ऐसे शरीर मिला है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिली है, जो वो भोग चुके हैं वो छोड़ के जा रहे हैं ना आपके लिए, करके। तो प्रॉब्लम कहाँ दे रहे हैं? 8th हाउस में देंगे ना? अब 8th हाउस में दे रहे हैं तो 8th हाउस किसका है? मदर का भी है। 4th हाउस में अफ्लिक्शन आ रहा है, पूछो मदर को प्रॉब्लम है या नहीं है जुपिटर से रिलेटेड। नहीं मुझे नहीं लगता या हाउस के अंदर होगा, A4 का पड़ा भी आ रहा है यहाँ पे, दो जुपिटर ऑब्सेशन भी होगा। आप जब गद्दी मेरे पे साथ बैठते हो तो तो आपको होता है ऑब्सेशन लेकिन होता है नहीं ना बोल रहा। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का। मुझे है ऑब्सेशन कि गद्दी मिलेगी कि नहीं, मतलब वो एक मेरे तुमको से है। गद्दी से ऑब्सेशन नहीं है, तुमको घर से, मकान से, 4th हाउस रिलेटेड चीजों से हाँ वही। ऑब्सेशन है। हाँ अब क्योंकि 4th ऑब्सेशन कहाँ पे दे रहा है? अब एंसेस्टर्स आए, एंसेस्टर्स ने अपना आपको क्या दिया? 8th हाउस दिया है ना। अभी अगर यही मगा यहाँ पे होता तो ये कहाँ पे जाता है? 5th हाउस? ऑब्सेशन कहाँ दिया फिर 5th हाउस में आकर के? नॉलेज को लेकर के, प्रोजनी प्रोजनी किड्स को लेकर के, एक दानी नेम तो लिया फिटिंग यार बोर्ड करके। या मुझे तीन चेयर, ये अब फादर की सजेशन। फैमिली। हाँ बताओ, कुछ कुछ डाउट आ रहा है किसी का? हाँ मतलब मैम आई एम जस्ट नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ आर यू रिलेटिंग 4,000 जुपिटर। ओके, मगा कहाँ फॉल कर रहा है इनका? यहाँ पे 9,000। हाँ 9th से 8th कहाँ पे जा रहा है? अच्छा ओके वन फोर टू थाउजेंड थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ओके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज के लिए हम कौन सा हाउस देखते हैं? हाँ राइट 8वां देखते हैं। तो फोर्थ लेवल अब सही है जब जब ये तो मघा मुझे यहाँ पे समझ आ आ गया। रहा है 9th हाउस में, तो 9th से 8th में आपको ऑब्सेशन दे रहा है वही ना? चल रहा अपने अपने चार्ट्स में देखो मघा कहाँ पे फॉल कर रहा है। लग्न में फर्स्ट हाउस जिसका लग्न में है उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का ऑब्सेशन एक्सेप्शन आ रहा है नहीं आ रहा है? 8th हाउस रिलेटेड चीजों में ऑब्सेशन आ रहा है नहीं आ रहा है? जिसका यहाँ पे मंगा है तो है इनहेरिटेंस का ऑब्सेशन दे इनहेरिटेंस रहा होगा का। हाँ उनको। बोलो ऑब्सेशन कोमल। तो है बट मैम नहीं ले रहा। मैम होरा लगन में भी फॉल करना है तो क्या होगा? अरे हम लगन की बात कर रहे हैं, तुम होरा पे क्यों जा रहे हो? ये कौन नहीं मतलब डी वन वो कंप्लीट कर लें फिर हम D2 पे जाएंगे, हाँ ठीक है नहीं है मेरा और नहीं है, है ही नहीं क्योंकि। ठीक है? पूरा लगन हम हाँ ठीक सेकंड का वो है, ये मतलब माइक्रोस्कोपिक चार्ट है। लेकिन ओके जैसे ओके इनका नेक्स्ट। मर्करी रेट्रो है तो हम उल्टा नहीं जाके देखेंगे एंड इट विल फॉल इन द सेकंड हाउस। हम तो पहले हम हाउस देख रहे हैं ना, हम तो प्लेनेट उठाए ही नहीं अभी। अच्छा ओके ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। यस आई गेस दो लोगों ने न्यू ज्वाइन किया था, एक तो महेश जी है, समबडी वन लेडी एज वेल। आपको समझ में आ रहा है? जी मैम हाँ, तो जहां पे भी जी मगा आएगा उसे 8वें में ऑब्सेशन दे रहा है, क्योंकि सबको अपनी पैतृक संपत्ति चाहिए होती है, आपके पूर्वज छोड़ के गए वहां पे। प्रदीप जी अंदर से कुछ आ रहा है आपके? मुझे लग रहा है आ रहा नहीं 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 आ गए हैं है। मैम। इनके 9th to 8th में 4th हाउस में जुपिटर है तो इनको मिला, तो अगर यही अगर सैटर्न हो जाता फिर वो ब्लॉक हो जाता है, मतलब या फिर लेट से मिलेगा डिलेड हो ऐसा कुछ जाएगा, डिले हो ऑब्सेशन कहाँ जाता आएगा फिर? ऑब्सेशन डिले उसको आएगा मिलेगा तो देखो मैम सुनो, आधा मिलेगा फिर नहीं 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 ऐसे नहीं लेना है इसको। आधा तो मिलेगा। सिग्निफिकेशन को भी तो लेना है। जुपिटर तो 4th में एग्जॉल्ट होता है ना। हाँ अब हाँ इनको इनको कहाँ पे, इनको ऑब्सेशन इनके तभी लिए तो इनको या मिल गया इनको ना। इनको 4th हाउस रिलेटेड चीजों से ऑब्सेशन दे दिया ना, गाड़ी से ऑब्सेशन होगा इनको, बड़ी गाड़ी से। हाँ गाड़ी घर लैंड जुपिटर एक्सपेंड है, बहुत डेंस प्लैनेट है, भारी गाड़ी से ऑब्सेशन होगा, फॉर्चूनर फॉर्चूनर जैसे।
ठीक है, लेट्स टेक अनदर चार्ट। अभिषेक नहीं भाई लेकिन उनसे उनसे पूछो तो उसे सही वो है कंफर्म या तो करो नहीं है। भाई, बिल्कुल कंफर्म किया मैंने कर सब कुछ। दिया, सब कुछ कर दिया कन्फर्म और कर एक चीज है दिया, मन फॉर्च्यूनर। मन में हाँ कर दिया। मैं आवाज अभिराज सर नहीं आइए आई आप है। आइए। और अच्छा एक नहीं एक किया प्रेडिक्शन कोमल किया देगा, कोमल एक प्रेडिक्शन तुम दो, नहीं मैं मेरे से नहीं हो रही क्यों नहीं होगा, हो जाएगा तुमसे। इनकी रिलेशनशिप के लिए प्रेडिक्शन दो, स्पाउस के लिए। अरे ये स्पाउस है के लिए इनका, वीनस। हाँ ठीक है, वीनस मार्स है, रिलेशनशिप स्पाउस, या चलो गर्लफ्रेंड के उसका लिए दे लॉर्ड से दो देना है। जो नहीं है। है अभिषेक गर्लफ्रेंड है? अभी नहीं अभी नहीं है, ठीक है। ठीक है, पहले स्पाउस भी कोई नहीं है, मम्मी है, पापा है, भी तो कौन सा भाई बताए। है, नहीं पापा भी सिबलिंग नहीं नहीं है, है, बड़ा भाई, नहीं, कोई नहीं, अकेले तुम। सिंगल चाइल्ड। हाँ ओए हेतु है होए, भाई, बहुत इतनी सारी बढ़िया, प्रॉपर्टी लेके क्या करोगे ये बताओ पहले ठीक है। तो। दादी के लिए प्रिडिक्शन दो, ये दादी यहाँ पे है, अभिषेक ठीक है। इनकी बनती थी दादी, पहले। ये लो, हमने दादी हाँ दादी हाँ दादी को हमने लगन तो बना दिया है। अब एक प्रिडिक्शन सेकंड मैम, दो। कोई प्रेडिक्ट कर रहा है? हाँ बोलो, नहीं ठीक है अभिराज ठीक सर है। आप कर दीजिए पहले, फिर मैं देखता हूँ। नहीं, कुछ नहीं, वो गर्लफ्रेंड के ही नहीं करना मुझे, नहीं करना है, अरे मरकरी कर दो डी यार, नहीं थोड़ा करना वो उसको, नहीं वो निगेटिव जाएगा। पर और एक चीज है, ये मरकरी है ना, ये मगा में, तो आपको कंटेंट लिखना अच्छा लगता है? और वो कैसा नहीं रहेगा अभी? नहीं लगता। ओके क्योंकि ओके केतु दिख रहा है सामने से। ओके। नहीं मुझे लगा कि मरकरी इन दी मगा कंटेंट लिखना अच्छा लगेगा, राहु उसको शो ऑफ करना, फ्लेक्स करना। ठीक है प्रो, है मैडम, राहु का डिस्पोजिटर से कुछ उधर पिक्चर बताइए है, मैडम, वो एक बाकी रह गया है। ठीक है। एक सेकंड, वो डिस्कस नहीं हुआ है। राहु है, ठीक है, हाँ एक सेकंड। और मुझे आपके जो प्रॉपर्टी मैडम, दादी माला राहु जाप करते राहु थे कहाँ क्या? का डिस्पोजिटर है, पर नहीं हाउस का, थर्ड ठीक हाउस का है। हाँ डिस्पोजिटर है? पड़ोसी हो गए, या आपका इंटरेस्ट हो गया, हॉबीज हो गया, थर्ड ठीक हाउस है, और किस किस चीज का है? पराक्रम भाव है, सिबलिंग का है, एफर्ट्स, डॉट एफर्ट्स का ट्रेवल है, पे, ठीक डॉट ट्रेवल, है, पेपर पेपर वर्क, वर्क, कम्युनिकेशन, पेपर वर्क, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। अब राहु आ गया यहाँ पे, राहु को तो कुछ भी नहीं पसंद होता अब और ये पावर है, नहीं राहु को पावर पसंद है, क्या बात कर रहे हो आप। ऑब्सेसिव राहु को होता नहीं है वो पसंद है पूरा, ना, हाँ एडप्टिव। बाउंड्रीज अब नहीं है यहाँ पे, इसको पूछिए। ये थर्ड हाउस के ड्राइविंग का भी है। इसलिए दिस रैश दिस दिस ड्राइविंग, मैंने दिस बोला गर्लफ्रेंड पर प्रिडिक्शन मत करना, बाउंड्रीज नहीं पसंद उसको। मर्करी को डीके भी है। हाँ मरकरी भी है, करेक्ट, बाउंडेशंस। तो अब राहु क्योंकि थर्ड हाउस का लॉर्ड है, तो थर्ड हाउस की सिग्निफिकेशन को पकड़ो, और वहां पे देखो ये पावर दिखाता है, नहीं दिखाता है, ये पावर दिखाने की जरूरत नहीं, इसके पास पावर है या नहीं है। अभी तो नहीं है पावर, कौन सी पावर की बात कर रही हूं मैं? वैसी थ्रोन वाली नहीं, और थर्ड पूछो। थर्ड हाउस वाली पावर, एंसेस्टर्स आपको राहु की कर्मा दे रहे हैं पावर ना, मघा से 10th में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, ओके, सिक्स्थ हाउस सिक्स्थ लॉर्ड हाउस मेरा। के अंदर आपको रिस्पॉन्स, और A8 का पड़ा भी आ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की है? फैमिली फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, फैमिली की कैसे सॉल्व डिस्प्यूट्स की करते हैं सर? रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, बीमारियों की उनके हेल्थ इशू रिस्पॉन्सिबिलिटी आ भी। रही है, हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। सेक्रीफाइस कहाँ करना पड़ेगा इन्हें, सेक्रीफाइस कहाँ करना पड़ेगा? राहु मरकरी है, 9th हाउस है, डिस्पोजिटर कहाँ जा रहा है, एट सेक्रीफाइस कहाँ पे करेगा ये? ससुराल में, इनहेरिटेंस ससुराल में करेगा, इज्जत का सेक्रीफाइस करेगा, में भी तो कर सकते हैं। नहीं इनहेरिटेंस का, वो सूर्य आ गया ना, नहीं पार्टनर सूर्य आ है गया ना, ना, सूर्य होगा मेन पार्टनर के साथ भी होगा, क्योंकि सेवेंथ लॉर्ड इज वक्री है, तो वो राहु के और साथ सेवेंथ बैठा है ना, लॉर्ड भी है। उसको अब
हाँ वक्र है वो। रिलेशनशिप को बचाने के लिए इसको अपनी इज्जत वहां पे कंफर्ट, इज्जत नहीं मिलेगी इन लॉस में। और डोमिनेंटली मिलेगी वो, पावरफुल रहेगी जो फीमेल है ना, वो सुनेगी नहीं जल्दी इसके, और बिल्कुल, वो क्योंकि सेवेंथ और लॉर्ड सोचने के लिए है, तो इसलिए सैक्रिफाइस करेगा ना, वो पावरफुल सेक्रीफाइस इसलिए होगी करनी तभी पड़ेगी उसको। सैक्रिफाइस करेगी। अभिषेक भाई हाँ वो जो बंदी थी शादी नहीं वो हुई है सोशल उसकी, मीडिया पे, शादी नहीं हुई है। सोशल मीडिया में फ्लेक्स करती थी क्या कुछ, नहीं क्या ज्यादा ही? नहीं भाई, नहीं भाई, सोशल मीडिया पे उसको फ्लेक्स करने का कोई जरूरत नहीं था, पर रियल लाइफ इतना में वैसी थी पावरफुल कि थी। ओके आई विल टेल यू हाँ वन थिंग, वो व्हेन वी आर ओके लुकिंग फॉर पावरफुल गर्लफ्रेंड थी ना। बॉयफ्रेंड एंड हाँ अफेक्शन, वी विल कंसीडर फिफ्थ हाउस पावरफुल ओनली। थी, फिफ्थ हाउस। हम सेवेंथ को नहीं, जब तक लीगल नहीं हो जाता है रिलेशनशिप, इवन लिव इन रिलेशनशिप को भी हम फिफ्थ ही कंसीडर करेंगे। उसके लिए फाइव मैम एट तीन ट्वेल्व का कनेक्शन होना बार चाहिए। प्रपोज करा होगा आपने उसको मैम तो? इसमें जैसे सारे रिलेशनशिप्स जैसे नहीं, मतलब तीन वो सब बार फिफ्थ इसका पे देखे रिलेशन, जाएंगे कि फिर इसका चेंज पैटर्न होते होगा जाएंगे? रिलेशनशिप का, इसका रिलेशनशिप का पैटर्न होगा यहाँ पे। सेवेंथ हाउस ठीक है, पार्टनरशिप रिलेशनशिप इनका पैटर्न है वैसा। अब ये अपने रिलेशनशिप, ये जो पब्लिक के अंदर है, ये इनके दोस्तों के साथ में पिक्चर्स बहुत क्लिक करते होंगे। नहीं। एंड नॉट ओनली, मतलब ये अगर किसी से मिलते होंगे स्पेसिफिकली, नॉट फ्रेंड्स, बट देन मर्करी है ऑब्वियसली। मर्करी का अगर हम वैसे सिग्निफिकेशन उठाएं तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी आता है। मर्करी को हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अच्छा भी नोट्स कहते की फोटोज खींचते हो क्या भाई? मतलब हैं। जो नोट्स की प्रोजेक्ट नोट्स फोटो होते खींचता हैं, हूँ, हाँ उसकी फोटोज खींचता हूँ, लेकिन हाँ पर्सन की नहीं, और ना ही मैं अपनी हाँ तो फोटो भी नोट्स खींचता हो हूँ। गए, प्रोजेक्ट हो गए, इनकी फोटोज खींच खींच के रखते हो मोबाइल में रहते हैं। हाँ वो रहता है मेरे पास। डिग्रीज नोट्स वाला कहीं आएंगे? की मंदिरों की फोटो भी रहेगी ना भाई, 9,000 है नहीं, ठीक है। फादर के ज्यादा साथ कह सकते आपका हैं। सेवेंथ नोट्स हाउस किस ही लिए ज्यादा होगी? प्रोमिनेंट मर्करी है, है। सेवेंथ हाउस ही ज्यादा प्रोमिनेंट है इसमें, वक्र है वो राहु, दो 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 दोनों ही वक्र है ना वो। नहीं देखो, जो रेट्रो प्लैनेट है ना, मैं वो खुद को ऑब्सेशन दे रहा हाइड है। करके रखता हूँ हमेशा, इसलिए रेट्रो मैं प्लैनेट फोटोज वगैरह आपको कभी भी उल्टा क्लिक इफेक्ट नहीं पहले करता। देता है। एनी प्लैनेट व्हिच इज गोइंग रेट्रो विल गिव यू रिवर्स इफेक्ट फर्स्ट। हाँ ओके एंड और क्या कह रही थी मैं, 9th हाउस फादर की भी पिक्चर्स लेगा, रिलीजियस प्लेस पे ट्रेवल पे जाके पिक्चर लेगा। ये ट्रेवल भी तो है ना, ये 9th हाउस इज फॉर लॉन्ग ट्रेवल, जर्नी। लॉन्ग जर्नीज। ठीक है, हाँ लॉन्ग जर्नी और रिलीजियस प्लेस पे सही है, क्लिक करता है। हाँ ये सही है। तुम पोस्ट स्टे नहीं करते क्योंकि थर्ड हाउस में नहीं केतु है, सोशल नहीं जो मीडिया कुछ में भी पोस्ट देखो, केतु हो उसके जा रहा दो है। रीजन है। सी, अगर हम उस आप, कभी नहीं, क्योंकि ये तो हमने भी नक्षत्र पकड़ा है ना, 5th हाउस बताता है आपकी सोशल इमेज, आपको लोग कैसे सैटर्न देखेंगे। सैटर्न बैठ बैठा हुआ है वहां पे और केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, ये डालेगा मतलब आदमी किसी कभी की नहीं पिक्चर्स? है, नहीं डालेगा। और सन नहीं कहाँ जा रहा डालती है? सन भी 8th में है, शक्ल भी नहीं बिल्कुल। दिखाता होगा ये, छुपा छुपा कर के हाइड करके रखता होगा। सी, अभी यहां क्या भी है तो ना, नहीं दिखाता। जब जब हम कोई प्रिडिक्शन कर रहे हैं ना, तो वी विल नॉट गो, विल नॉट डायरेक्टली जंप इनटू दैट। अभी समझने के लिए वी हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। वंस वी विल अंडरस्टैंड ऑल द नक्षत्र, देन वी कैन मेक अ पिन पॉइंट प्रिडिक्शन लुकिंग ऑन ऑल द सिग्निफिकेशन। जब हम D1 पढ़ेंगे ना, D1 में हम जब कैसे प्रिडिक्शन करते हैं, हम जैसे अभी हमने 4 पॉइंट्स पकड़े नक्षत्र की प्रिडिक्शन करने के लिए। वी विल पिक फर्स्ट किस हाउस में फॉल कर रहा है, दूसरा सॉरी पहले कस पा रहा है नहीं आ रहा है, दूसरा किस हाउस में फॉल कर रहा है, मून है या यो जो भी प्लैनेट है उसका सिग्निफिकेशन क्या है, चौथा लॉर्डशिप कहाँ की है। सेम वे व्हेन वी आर गोइंग टू प्रेडिक्ट वन लाइनर फ्रॉम D1 चार्ट, वी विल पिक द हाउस फर्स्ट, देन राशि, एंड देन द सिग्निफिकेटर प्लैनेट। इमेज का कारक सूर्य है। पांचवा घर आपकी जो आप पिक्चर्स क्लिक करते हो, क्यों? क्योंकि लियो का लॉर्ड सन है। और जब हम लियो के अंदर पिन पॉइंट जा रहे हैं, देन वी हम लोग क्या एकदम बेस माइक्रो लेवल से उठा रहे हैं,
नक्षत्र पे जा रहे हैं हम, नक्षत्र में देखो ना, तीनों जो नक्षत्र इसमें इसमें जो नक्षत्र फॉल कर रहे हैं, नक्षत्र कौन से हैं? पूर्वा फाल्गिनी है, मघा है, ये क्या दिखा रहा है? इमेज दिखा रहा है ना, पावर दिखा रहा है, हाउ यू विल बी एक्सेप्टेड इन सोसाइटी, वॉट यू आर गोइंग टू शो केस, वॉट पीपल विल परसीव। इसीलिए गवर्नमेंट जॉब्स के लिए लियो पोजिशन वाला साइन देखा जाता है, ठीक है? तो जिन लोगों के प्रोमिनेंट वो होते हैं, प्लैनेट्स दादाजी आ जाते हैं मघा में, यू सी, और जब भी उसकी दशा चल रही होती है, दीस पीपल आर सर्विंग ऑन अथॉरिटेटिव पोस्ट एंड लीडरशिप पोजिशन। दशा भी चल रही है मैडम राहु की, वो जो बट सिंधु राहु एफेक्ट का बन रहा है दिखा जो, एक सेकेंड, लेकिन राहु जो नहीं रहा। पावर है ना, वो गवर्नमेंट वाला पावर नहीं है, गवर्नमेंट जैसी साइड में एक और पैरेलल गवर्नमेंट है खड़ा, गवर्नमेंट। अपना अलग किंगडम खड़ा कर देगा वो, पैरेलल है एकदम पैरेलल। रूल ब्रेकर है राहु, पैरेलल गवर्नमेंट क्रिएट करने वाला है, मैम अगर ठीक इसी है? में मतलब सजिटेरियस में ही 9th हाउस में अगर वीनस रहता वो अब मघा पे जैसे है। इनकी फॉर एग्जाम्पल सॉरी, जैसे राहु की दशा चल रही है, राहु 5वें 9th हाउस में मघा में बैठा है, इनको लोगों ने कैसे परसीव किया? बिकॉज ऑफ दिस गाइडेंस, 9th हाउस किस किस चीज का है, नॉलेज को लेकर के लोग परसीव कर रहे हैं, वहां पे इन्होंने झंडा गाड़ा ना, मघा नक्षत्र में आप झंडा गाड़ रहे हो ना, हाँ पीपल आर फाइटिंग है। नोइंग हिम, फ्लैग यहाँ पे लेके बैठे हैं ये 9वें घर में, गुरुओं की वजह से, गुरु भी मिले होंगे, हायर लर्निंग भी हुई होगी, बट किससे? राहु के तरीके से, ठीक मतलब है? आई होप इट इज क्लियर नाउ। शॉर्टकट है, अगर 9th हाउस में वीनस रहता तो क्या होता, तो नाइन्थ मगा हाउस में में होता अगर तो वीनस मगा में होता वीनस ही तो फिर होता, अब वीनस किस चीज का सिग्निफिकेटर है? पार्टनर का है। वेरी वेल स्पाउस। उसको वीनस का सिग्निफिकेटर का नहीं, उसको वीनस का इफेक्ट मिल रहा है ऑलरेडी क्योंकि वो वीनस का उसके इफेक्ट लॉर्ड ऑलरेडी है मिल ना। रहा है, हाँ, नहीं मगा का नहीं मेरे है को ना, वैसे पूर्वा दूसरा फाल्गुनी है, लेकिन हाँ ये है कि वीनस का इफेक्ट उसको आ रहा है, दूसरे चैप्टर डिस्पोजिटर भी मर्करी तो लॉर्ड है एक्टिवेट हो ना। रहा है दशा के अंदर। मैम एक मिनट, मैम शेयर मार्केट में काम कर रहे होंगे, ये इंटरेस्ट क्या? होगा बहुत, शेयर मार्केट का इंटरेस्ट होगा इनको। हाँ शेयर है बट मार्केट अभी का काम नहीं इंटरेस्ट कर रहा, अभी मैं पढ़ रहा हूँ उसके बारे में, अभी क्योंकि काम 9th हाउस में है इसलिए पैसा पढ़ नहीं रहा लगा है। था। अच्छा नॉलेज लेने के बाद मैम करेगा, शुरू नहीं किया है अभी, ये हाँ अभी अभी पढ़ना, से। हाँ मैम अभी से ये आपके डिस्पोजिटर भी फादर कहते हैं गवर्नमेंट से ये, डॉक्यूमेंट रिलेटेड कुछ काम करते थे, गवर्नमेंट में थे पीडब्ल्यूडी। सी अरे अपना फादर गजब पीडब्ल्यूडी में थे, गवर्नमेंट में थे, ठीक गजब, वाह सिविल है? इंजीनियर, वो पीडब्ल्यूडी वाह का ये क्या है मींस, उसका वो कौन सी कौन सा सेक्टर, कौन सा मरकरी राहु है क्या नहीं, सेक्टर, पेपर वर्क सिविल रिलेटेड, है, सिविल है, सिविल सिविल है। इंजीनियरिंग, ओके रोड, मरकरी बाहर तो होगा, रोड और दाबर कौन, ना, दाबर की रोड, पब्लिक दाबर वर्क क्या है? डिपार्टमेंट राहु, डामर राहु ये। हाँ तो ठीक है, रोड्स, रोड के लिए कारका पढ़ो, किस हाउस का क्या कारक है, एक प्रिडिक्टिव करके बुक है, सजेस्ट यू, दीपांशु सर ने बहुत बार सजेस्ट किया, वो किताब पढ़ो, इतनी मोटी किताब तो है। मैम मर्क्यूरी भी होगा क्या, मीन्स ऑफ हाँ मैम, कौन सी कम्युनिकेशन। बुक है? राहु और मर्करी मैं दोनों रोड होते ना सर ने घर बताया जाके कि, बता दूंगी, मतलब गाइड टू एक्चुअली क्योंकि प्रिडिक्टिव मर्क्यूरी जो है एस्ट्रोलॉजी, वो अ गाइड टू प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, करेक्ट, ठीक स्टार गाइड टू प्रिडिक्टिव है? एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, हाँ एक दिन डाला था किसी ने। ओके, क्लियर, आ गया समझ में? पूर्व फाल्गुनी और मगा अच्छे से, कोनो डाउट? हाँ, डाउट नो, अब देखो तुम जाकर के कौन कौन गवर्नमेंट जॉब में है, सब लोग देखो अपने अपने चार्ट्स में, प्रोमिनेंट मगा कहाँ पे, मगा आ भी रहा है नहीं आ रहा है, सबकी ग्रुप के अंदर किस टाइप की कॉमन बातें हो रही है, यू अंडरस्टैंड? ओके, ऑलराइट, ओके थैंक गुड नाइट यू, थैंक एवरीवन, यू, टेक गुड नाइट मैम, थैंक यू मैम, केयर। गुड नाइट मैम।